नहीं है तुम्हारे अंदर। तो कौन सी चीज़? शराब पी के गालियाँ देते हो। I hate you। तुमसे शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। एक औरत के जज्बात को तुम मर्द कभी नहीं समझ सकते। मुझे तलाक चाहिए। पारो! बोलते हैं कि जोड़े स्वर्ग में बनते हैं, ये बात मिस्टर चुनीलाल और मिसेस पारो पर एकदम बरोबर बैठती है। दो खुश मिजाज इंसान आपस में मिले, प्यार हुआ और आखिरकार उन्होंने लव मैरिज कर ली। खुशी खुशी दोनों ने घर बसा लिया, पर वक्त के साथ उनके रिश्तों में दरार पड़ने लगी। क्यों ले आई इस नर्क में? उनकी हस्ती खेलती जिंदगी को पता नहीं किसकी नजर लग गई। पीले तो नहीं हुए ना? दिखाओ कहाँ है। छोड़ो, बाय बाय। तुमसे खाना तो बनता नहीं है और वो बेचारी मुझे टिफिन खिलाती है। बहुत अच्छे, नशे की हालत में पराई औरत के साथ घर आना क्या तुम्हें ये सब शोभा देता है? खट्टी मीठी नोक झोंक कड़वा हट में बदल गई। और तुम जो पराई मर्दों के साथ व्हाट्सएप पे चैट करती हो उसका कुछ नहीं। और ये तू मैं बढ़ने लगी। जवाब नहीं दे सकते क्या? तुम्हें आवाज लगा लगा के मेरा गला बैठ गया। दोस्त दुश्मन बन गए। तुम्हारा नौकर नहीं हूँ एक आवाज पे खड़ा हो जाऊँ। नफरत बढ़ती गई। काश मर्दों का भी मायका होता तो वहाँ चला जाता। स्वर्ग जैसा घर उनके लिए नर्क जैसा बन गया। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों एक दूसरे का मुंह देखने को भी तैयार नहीं थे। डाइवोर्स लेने के लिए एक दिन दोनों मेरी ऑफिस में आ गए। मैं डिवोर्स स्पेशलिस्ट एडवोकेट 99 डिवोर्स करा चुका हूँ और ये है मेरा 100वां केस जिसने मेरी सोच बदल कर रख दी। ये नहीं बदले इसलिए मैंने दोनों की आत्माओं को ही बदल दिया, यानी चुन्नी की आत्मा पारो की बॉडी में और पारो की आत्मा चुन्नी की बॉडी में। मैं चुन्नी के शरीर में हूँ, मतलब चुन्नी मेरे शरीर में है। चुन्नी पारो में, पारो चुन्नी में। हाय दैया, क्या हुआ मिस्टर एंड मिसेस? हमारे शरीर कैसे बदल गए? अब आई अकल ठिकाने पे। क्या? ये मेरा ही कारस्तान है। तुम्हारी हियरिंग डेट से पहले मैं बीवी को लेके गोवा डेट पे जा रहा था, तभी एक्सीडेंट की वजह से हमारी मौत हो गई और आत्मा बनके मैं और मेरी बीवी पहुंच गए स्वर्ग में। जीते जी मैंने लोगों का डिवोर्स कराया लेकिन मरने के बाद मेरा ही हो गया। मेरी बीवी तो फटाफट अंदर चली गई लेकिन मुझे एंट्री नहीं मिली। पैसों की लालच में कराए डिवोर्स का मुझे बहुत कड़वा और कांटे वाला फल मिला। ओ गॉड आसू, मुझे अंदर क्यों नहीं लिया? ये कोर्ट नहीं है बाबू। तू क्या जज है क्या? चल बाजू माजा, मुझे अंदर जाने अरे दे। तेरी वाइफ अंदर मालिश करवा रही है, पर तेरा गेट पास अपुन के पास है। आज तक तूने जितने भी डाइवोर्स करवाए ना, सब पैसा के वास्ते। तूने बहुत से शादीशुदा लोगों की बद्दुआ ली है, इसके वास्ते तेरा ऐसा हाल हुआ है। सॉरी, माफ कर दो। कुछ ले दे के मांडवली करो, मेरे को अंदर जाने दो। गॉड को रिश्वत दे रहा है? तेरे को अपुन का एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना है? अबे तेरे पापों का मटका डिवोर्स करा करा के भर गया है, अब उस मटके में होल कर डाल। अपने वो पारो और चुन्नी है ना, उनका पैचअप करवा के डाइवोर्स रुकवा डाल, फिर अपन तेरे को अंदर जाने का परमिट दे देगा। इतनी सी बात? तुम गेट खुला रखो, मैं अभी आया। मजा आया ने? हमारे शरीर वापस दो। तो पहले जितना प्यार तो करो, तभी वापस मिलेगा। में पानी नहीं था, हमाम में नहा कर आई, इसलिए मुझे इतनी देर हो गई। आज की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। टेंशन हो रही है तेरे को? तू जा कॉफी पी कर, मैं सिगरेट चबा के आता हूँ। एक्चुअली मुझसे ज्यादा तुम टेंशन में लग रहे हो। मैं लग रहा हूँ? बहुत ज्यादा। ओवर एक्टिंग मत, चलो। अरे ड्राइवर भाई, जरा साइड में लेके बताओ ना, ये नरेश किधर मिलेगा? हाय नरेश, यहाँ तो सब दिल लगा के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, वो नरेश, आप पहले नरेश थी? ईएमआई पे मोबाइल ले लेके वाईफाई पे बर्बाद हो रहे हैं। ये अपने देसी लोग को फ्री की कोई चीज हजम नहीं होती है। ये तेरा गया क्या? तेरा है क्या? मेरा भी गया। भैंस की पूंछ, मेरा भी वाईफाई गया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। कब हाथ में आते आते रह गया। गलत टाइम पर वाईफाई गया, गर्लफ्रेंड बस चुम्मी देने वाली थी। ये कंपनी मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि यहाँ फ्री वाईफाई मिलता है, अब ये भी कट गया। ए, कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? डेढ़ मिनट से वाईफाई बंद पड़ा है। नहीं तो क्या मर जाओगे? पैसे वाले होके भी वाईफाई के भिखमंगे। तुम्हारा बस चले तो डेटा की लकड़ियां लगा के वाईफाई से चिताई जला दो।
टेक्नोलॉजी इसलिए मिली है कि काम जल्दी हो। 3 घंटे का काम 1 घंटे में होना चाहिए। तुम लोग 3 दिन तक रगड़ रहे हो। पहले मुगलों के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के, फिर कंपनियों के, उसके बाद आज वाईफाई के गुलाम बन गए। और राउटर हमारे आस्तीन का सांप। दिल लगा के काम करेगा तो ट्रांसप्लांट के पैसे जमा हो जाएंगे, घर बस जाएगा इसका। इसलिए मैंने वाईफाई ऑफ किया। क्या कहा आपने? तुमने? हाँ मैंने। सारा दिन फ्री का एसी, फ्री का इंटरनेट और हराम की पगार देने वाला गधा कहाँ है? वो गधा यहाँ खड़ा है। सर नमस्ते। पीठ पीछे तो मंत्रियों की भी बुराई होती है ना। तो क्या मेरी मुंह पर करोगे? नहीं 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 नहीं, मैंने अपनी बीवी से सीखा है बुराई कभी भी मुंह पे नहीं करते। फालतू बकवास बंद और काम की बात शुरू। गुड, हम ये प्रोजेक्ट करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगर कोई ऑस्कर अवार्ड होता ना पारो तो वो डेफिनेटली तुम्हें मिलता। लेकिन उससे पहले दूल्हा दुल्हन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका तो मिलना चाहिए मैडम। इस साल तुम्हें जरूर मौका मिलेगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच। तो जल्दी से अपने डिजाइन रेडी कर लो। मैं उस पे काम कर रही हूँ, रेडी होते ही आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। ओके, सी यू सून। मैगी, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ मैडम, अगर मेरा बात मानेगा तो ब्लाउज थोड़ा और छोटा होने को मांगता है। तुम तो रहने ही दो, मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। हक्का नूडल ऑर्डर करो। हेलो। हाँ, कब से फोन कर रहा हूँ, कहाँ पर हो? बस 10 मिनट में निकल रही हूँ। कहाँ पर मिलना है वैसे? अरे पहले दिन जहाँ मिले थे वहीं पर। मैंने MD को पाले में लिया और उसने प्रोजेक्ट दे दिया मुझे। मुबारक हो, इस बार फैशन अवार्ड मुझे ही मिलेगा। थैंक यू, मैं तुम्हें 10 मिनट में मिलती हूँ। अरे चुन्नी का फोन आया था, उसे प्रोजेक्ट मिल गया है। पारो का भी फोन आया था, उसे फैशन शो में चांस मिल गया। का है, बीवी के टुकड़ों पे पलने वाला। वो देखो आ गया लंगूर। ए चुन्नी, अबे कैसा है बे? कैसा है, अकेले आया ना? हेलो मैडम। पारो का है? पारो रुक जा, अभी जेब से निकालता हूँ। अबे क्या है यार? वो देख आ गई। हाय राजेश। हाय। जब तेरा फोन आया तब मैं पार्लर में बाल कटवा रही थी, अर्जेंटली क्यों बुलाया? ऐसा लगता है मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ, उतारा हुआ कच्चा हूँ। शादी के बाद सबको ये लगता है, बीवी के हाँ में हाँ मिलाना सीख जा, खुश रहेगा। मेरी खुशी तो देखी ही नहीं जाती उससे, मेरी पसंद की शर्ट तो वो कभी नहीं पहनता। क्या क्या करूँ उसकी खुशी के लिए? संडे को उठा के बोलती है नाश्ता बनाओ, और तो और बोलती है मूछें चुभती है लेमिनेट कराओ। कीलों के जैसी चुभती है उसकी मूछें। मैंने तो ऐसे भी कपल देखे हैं जो अपनी बीवी के लिए रोज उठकर नाश्ता बनाते हैं। मियां बीवी के रिश्ते का दूसरा नाम ही कॉम्प्रोमाइज है। भाई कौरव और पांडवों में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, पर मियां बीवी में नहीं। तुम्हें पता है आज तक मुझे बाहर घुमाने लेकर नहीं गया, उसे सिर्फ अपनी जरूरतें देखती है। शादी की सालगिरह तक याद नहीं, सालगिरह तो छोड़ो, उसे मेरा बर्थडे तक याद नहीं है। सुना तूने, ये तो टू मच है यार। पल्लवी जो कर रही है वो मच मच है। नहीं, गलती तेरे दोस्त की है। अरे मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, वो हीरा है, तुम्हारी सहेली में कीड़ा है। क्या कीड़ा है? हाँ चुन्नी को तो पारो का बर्थडे तक याद नहीं। अगर तुम्हारा बर्थडे मैं भूल जाऊँ तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा? जिस दिन चीख के ये इस दुनिया में आई थी वो दिन तो मुझे भी याद नहीं है। मैं ही लपेटे में ना आ जाऊँ, टॉपिक बदल देता। क्या हुआ राजेश, कहाँ खो गए तुम? देखो मैं बचपन से जानता हूँ चुन्नी को, 100% उसी में प्रॉब्लम है। छोड़ो ना, अब उनके फड्डे में हम क्यों पैर डालें, हमारा टाइम वेस्ट। हाँ आई लव यू डार्लिंग, इस बार तुम्हारा बर्थडे हम लोग क्रूज पर मनाएंगे। सो स्वीट, हम लोग पिक्चर देखने चलते हैं। हाँ बच गया भाई, लड़की संभालना पतंग संभालने जैसा है। पता नहीं अपना चुन्नी लड़कियों को चूना लगाना कब सीखेगा। पारो डार्लिंग, राजेश के घर से फोन आया है, उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है। ओके मैं निकल रही हूँ, बाय। बहुत सिद्धि है। एकदम वाइट शॉट देना। हाँ तुम्हारी जात का टमाटर मारू घासलेट की लाइन कभी लगाई नहीं है क्या? चलो खड़ा पारसी पीछे, चीरा बाजार आगे। क्या बात है, सब ना कराइयो। इस छोकरे में अपन को वकालत के कीटाणु नजर आ रहे ले। अपने लेवल का वकील बना दूंगा, उसके लिए तुमको प्रैक्टिस की जरूरत है, लाइफ बन जाएगी।
साहब जी। खुद की जिंदगी झंड है और तू इनकी लाइफ बना रहा है? झंड फिर भी घमंड तो रहेगा ना साहब जी। मैंने झोपड़पट्टी से उठा के तुझे वकील बनाया भूल गया क्या? साहब जी एक रिक्वेस्ट है, ये झोपड़पट्टी के ताने देना बंद करो। मेरे जूते गंदे कर दिए, अब तेरे सर पे पहुंचू क्या? नहीं सब, मेहरबानी कर हमें निकल। कोर्ट के इतिहास में आज तक 75 डिवोर्स का रिकॉर्ड किसी वकील के नाम था, पर आपने 99 लोगों का घर उजाड़ कर नया रिकॉर्ड बनाया है। कैसा लग रहा है आपको? पंछी की तरह हवा में उड़ रहा हूँ, लेकिन इसमें मैंने कुछ नहीं किया, वो सारे लड़ाकू मियां बीवी मेरी सफलता की सीढ़ी है। सर आज तक आपने 99 हंसते खेलते जोड़ों को अलग कर दिया है, आपको शर्म नहीं आती? ए, जो शर्मा गया समझो मर गया। शर्म का धागा बना के मैंने गले में पहन लिया है और बेशर्मी की सीढ़ी चढ़ के मैं 100 केस पूरे करने जा रहा हूँ। अब ऊपर वाला भी मुझे नहीं रोक सकता। ये ढिंगला तैयारी हो गई? सब रेडी है साहब जी, पर शर्मा रहा है, मैं क्या तेरी बीवी हूँ? साहब जी वो सुब्रतो की पत्नी डिवोर्स केस वापस लेना चाहती है, बोल रही थी आपकी फीस बहुत ज्यादा है, उसका केस वापस कर जा। कूड़ा, कांदा बटाका के भाव बढ़े, मैंने कुछ नहीं बोला ना, अब मैंने भाव बढ़ाया तो सब लोग बोलने लगे। साहब सुब्रतो की वाइफ, नमस्ते। नमस्ते साहब, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मेरे पति बहुत अच्छे इंसान है, मैंने गुस्से में आकर तलाक मांग लिया, अगर तलाक हो गया तो मेरी बच्ची के भविष्य का क्या होगा साहब? मुझे तो सिलाई भी नहीं आती। मेरी माँ, जज साहब की कसम मेरे पास आया केस आज तक कभी वापस नहीं गया है। अरे वाइफ को प्रॉमिस किया है, उसे गोवा ले जाऊंगा, बीच में भुट्टा खिलाऊंगा, और अगर नहीं किया तो मुझे वकील ढूंढना पड़ेगा, मेरा डिवोर्स कौन कराएगा, मेरा केस कौन लड़ेगा, मैं खुद को अफोर्ड नहीं कर सकता। चल बकुड़ा। सब्जी सब्जी, जब मैं शादी करूंगा तो मेरा तलाक करा देना, लेकिन इसके तलाक का केस वापस कर दो प्लीज। मेरे को एक आइडिया आया है, मैं फटाफट इस अबला का डिवोर्स करा देता हूँ, तू खटाखट उसके गले में माला डाल देना, फिर मेरे पास आ जाना, तुम दोनों का डिवोर्स करा के सेंचुरी पूरी करके मैं सटासट गोवा चला जाऊंगा। देख मैं राशन की दुकान पे इमोशन लेके नहीं जा सकता, दोबारा इमोशनल हुआ ने तो हो गई सैलरी कट, समझी गयो? माय डियर जज साहब, सॉल्व योर ऑनर। मिस्टर घरतोड़े, आपने जो दुख भरी कहानी सुनाई उसे सुनकर मैं भी दुखी हो गया, इसलिए तलाक तो बनता है। सांबड़ बकुड़ी, तू आज ही गोवा के लिए 2 पीस की शॉपिंग कर ले, मैं केस जीत गया। वाव, कांग्रेचुलेशन। तेरा पति यानी मैं मामूली वकील नहीं हूँ, अभी एक केस बचा है, जोड़ा शादी करने गया है, मैं ऑफिस में वेट कर रहा हूँ, उनका डिवोर्स करा के तेरे पास ही आता हूँ, तू रेडी रहना, मेरा बर्थडे गोवा में सेलिब्रेट करेंगे। सी यू, बाय बाय। अब मैं उठना, फीस कम हो जाए। हेलो, बैठिए आओ। अरे बोलो रे भाई। मुझे इस आदमी से डिवोर्स चाहिए। वैसे तो हमारे ख्याल नहीं मिलते, पर मुझे भी बिल्कुल यही चाहिए। जितना फुटेज खाएगा उतनी फीस बढ़ेगी। इसको कभी सर के बाल से पैर के नाखून तक प्यार करता था, मेरे बाप को एक आंख नहीं भाती थी, पता है वो क्या बोलते थे इसके बारे में? मेरे को कैसे पता? पप्पा बताओ ना। बुढ़ाओ बको। अरे बोलो चिचा। अरे मेरे बाप ने लव मैरिज नहीं करने दी तो तेरा बाप कहां से करने देगा? अगर ऐसा किया तो वसीयत से नाम काट के बाबूलाल के नाम कर दूंगा। चौधरी, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मेरे लिए तो अदरक वाली टी ही बहुत है। आंटी कुछ बोल नहीं रही है, गूंगी है क्या? मम्मी। हाँ बोलो माँ जी। बेटा पता है ना तू किस जल्लाद की औलाद है, मुझे माचिस लगवाएगा क्या? लगता है आंटी फुलन देवी की बहुत बड़ी फैन है, मैं भी उनका भक्त हूँ। मैं ठहरा गरीबों का शाहरुख, प्यार के खातिर मैंने अपना घर छोड़ दिया और इसके साथ चिड़िया घर बसा लिया। सर माँ बाप का आधार कार्ड नंबर दे दो, हम लोग उनपे बेटे को टोपा नाम का केस ठोकेंगे और प्रॉपर्टी बांट लेंगे। वो सब तो VFX था, हम लोग तो खोली में रहते थे। मैं तो झोपड़े में रहता हूँ। क्या बताऊँ सर, काम वाली बाई से लेके पिताजी सबने रोका था। आपको पता है क्या मेरी दादी ने मुझसे क्या कहा था? मुझे कैसे मालूम? दादी माँ। बोलो दादी माँ। बुढ़िया थोड़ा ऊंचा सुनती है। अरे बको दादी माँ। बेटा अगर तूने भाग के शादी कर ली तो लोग हम पे इतना थूकेंगे कि घर तालाब बन जाएगा, और मैं तेरा राशन कार्ड और आधार कार्ड से नाम भी कटवा दूंगी। अगर मेरा घूंघट कोई उठाएगा तो बस वही उठाएगा, वरना मैं इस दुनिया से उठ जाऊंगी। किस्मत फूटी थी जो दादी की बात नहीं मानी। लव मैरिजेस कभी भी 100% फुल प्रूफ नहीं होती, ये बात तो प्रूफ हो चुकी है। झकास, इसने क्या दुख दिया? इतने दिए हैं कि उंगलियों पे गिन नहीं सकती। इसने मेरी छाती पर बैठकर मूंग दलाए और भजिया तली है। देखा सर, मैं किचन का काम भी करता था इसके लिए। हर मर्द करता है, हमारे सर भी तो करते हैं। गंदा मुंह बंद कर, इससे छुटकारा दिलाइए। शादी कब हुई थी तुम्हारी? 15 अगस्त सर। 17 सर। अब हाँ उस दिन ड्राई डे था ना, तो दोस्तों के लिए 2 दिन आगे शिफ्ट कर दी। देखा आपने,
शादी की डेट तक याद नहीं है, वाइफ का बर्थडे भी याद नहीं है, बर्थडे तो छोड़िए इसे मेरा फोन नंबर तक याद नहीं है। जबान की नोक पे है सर, तो बोलो। 9849056789101213। तुझे फोन नंबर पूछा तो तू पूरी गिनती सुना रहा है। फोन नंबर छोड़ के 1-200 सारे नंबर आते हैं। अकेले झूठ मत बोल। 100 बार पूछ लो इसकी गाड़ी इससे आगे जाएगी नहीं। दिव्या का नंबर पूछ लो तोते की तरह बोलेगा। सिर्फ फोन का नंबर याद है, बाकी चीजों का नहीं पता। अभी ये दिव्या कौन है? कलीग है, उसी डायन की वजह से मुझे भूत नहीं समझता। तुम्हें नई साड़ी दिला के समझाया था ना कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है। हेलो, दूर की है या करीब की? सर को क्लैरिटी चाहिए। जिससे दूर भी नहीं रह सकते और करीब भी नहीं। अफेयर के वक्त मुझे आईफिल टावर पर जाके बिठा दिया, पर शादी के अगले ही दिन मुझे खाई में ढकेल दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, सर दर्द होता है तो बाम भी नहीं लगाता। अरे इसके सर में दर्द हो तो कमर पकड़ के बैठ जाती है। फिर भी मैंने पूछा मलम कहाँ पे लगाऊं, सर पे या कमर पे? तो टेस्ट लेती है, बोलती सच्चा प्यार करते हैं तो ढूंढो दर्द कहाँ है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे थोड़ा साइड, ऐसे नाटक करती है। दर्द कोई काला धन है जो उसे ढूंढूं, और इसका प्यार सच्चा है तो सुबह ये मेरी चट्टी क्यों नहीं ढूंढ पाती है? जितनी सैलरी नहीं है उससे ज्यादा सिगरेट पी जाता है। घर ऐसा लगता है जैसे सिगरेट बीड़ी का कारखाना हो। टीवी और सिनेमा में कैंसर वाले एड का इस पर तो कोई असर ही नहीं पड़ता है, और मना करो तो बाथरूम में जाकर सिगरेट पीता है। सर आपको पता है इसने आज तक मेरी ड्रेस की तारीफ नहीं की। तारीफ सुनने को मेरे कान तरस जाते हैं। अरे उस दिन तो तुम्हारे पेटीकोट की तारीफ की थी ना मैंने। हाँ, उस दिन तो कह रहा था दिव्या तुम्हारा हुस्न अंगार है, चूल्हा जल सकता है। ये तो अच्छी बात है। सर आप भूल गए मैं पारू। मम्मी किसकी हाथ की रेखाएं बना रहे हो? तुम दिव्या का नंबर बोलो, मैं लिखता हूँ। अरे उसके प्यार में लुट जाएगा भाई। उसके प्यार में लुट के उसे लूटूंगा। सर लेकिन ये बताइए आप अपनी वाइफ को किस नाम से बुलाते हैं? सर की जोड़ी तोता मैना जैसी है, उसे ये प्यार से काली मैना बुलाते हैं, है ना सर? अगर मैं ये कहूँ कि तुम काले कोट में कितने प्यारे लगते हो और मैं तुम्हें मियां मिट्टू बनाना चाहूँ तो कैसा लगेगा? अब ये मिट्टू कौन है? कौन है मिट्टू? इससे ही पूछो। मैडम अपनी प्रॉब्लम बताओ, हमें प्रॉब्लम में मत डालो। देखा ना आपने सर, ये प्रॉब्लम बनाने की फैक्ट्री है। खुशियों को गम में बदलना इसका शौक है। इसकी ब्लड रिपोर्ट में भी शिकायत लिखा आता है हीमोग्लोबिन नहीं। वो क्या होता है? उसे बाथरूम धोते हैं। ओ ऐसा क्या? ये सवाल तो मैथ्स का है, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है। हिस्ट्री में? हाँ, आप भूल गए। देख लिया सर, आपको भी कंफ्यूज कर दिया। इसके दिमाग में कचरा भरा है। इसके साथ और रही ना तो पागल हो जाऊंगी। मुझे इससे डिवोर्स चाहिए। अरे ये क्या करेगी, मैंने फैसला कर लिया, मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम दोनों की बकवास सुन के ये अवार्ड विनिंग वकील इस नतीजे पर पहुंचा है कि तुम दोनों बहुत दुखी हो। तुम दोनों का डिवोर्स करा के मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी, और वैसे भी ये मेरा 100वां केस होगा, गिनीस बुक में फ्री में रिकॉर्ड होगा। वाह, 100 मर्द छुट्टे सांड बन गए। अब ये डिवोर्स होके रहेगा, तुम चाहो या ना चाहो। इस केस के डॉक्यूमेंट मैं अपने हाथों से तैयार करूंगा। ओह, सारा काम एक हफ्ते में हो जाएगा, बस तुम लोग तब तक एक दूसरे को झेल लो। इस केस का डिवोर्स ठीक से हो जाए इसलिए मैं मंदिर में माथा टेकने गोवा जा रहा हूँ। गोवा के मंदिर में तुम्हारी मन्नत का पक्का धागा मैं बांधूंगा। मेहरबानी सर। जरा बताओगे यहाँ क्यों आए हो? और कहाँ जाता मैं? जब हम डिवोर्स ले रहे हैं तो एक साथ एक छत के नीचे क्यों रहना है? ठीक है, कल टिकट करवा दूंगा। गांव जा रहा है? गांव जाके खेती बाड़ी करेगा क्या? नहीं, तुम्हें हमेशा के लिए वहीं पार्सल कर दूंगा। मैं क्यों जाऊँ, मैं यही रहूंगी, ये मेरा घर है। ये घर मेरा भी है। चीची, तुम्हारे साथ घर खरीद कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। उससे बड़ी गलती तो तुम्हारे साथ रहना है। तो फिर जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? मेरा जो हिस्सा बनता है वो दे दो, मैं निकल जाऊंगा। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊं? तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर क्यों रही हो? मुबारक हो। कांग्रेस। ओ अरे वो देखो चलो वहां पे फोटो खींचते। चलो हल्का लग रहा है, वजनी लो। मुझे नहीं पसंद। हटो ना। कैसा है? सुपर। बड़ा बिल फाड़ा तूने मेरे ऊपर। बाय। बहुत खूबसूरत सेट है। क्या कर रही हो जानू? कुछ नहीं, काम में बिजी हूँ। काम के साथ मुझे याद नहीं कर सकती? नॉट पॉसिबल। तुम नहीं सुधरोगे। मुझे एक बार भी याद किया आज? तुम्हें कभी भूल पाती हूँ जो याद करूँ? बन गई। पिछली मैच में तो जीता था। थैंक यू। खिलाओ। अबे खिलाना। अरे खिलाओ खिलाओ। ये इस बार पैसे तुम देना। लाओ मुझे। लाओ मुझे। मीठी हो गई, पियो।
तुम्हारा फेवरेट प्लांट। हाँ? हे, ये पकड़ो और गले मुझे लगाओ। अरे यहाँ पे। ए, मैं यहाँ हूँ। तुम भी ना। ये एक तुम्हारे लिए। अरे वाह, मैच मेरे लिए। हे, हाय, कौन हो तुम? यही तो आप उन थिंक कर रहा है कि तू कौन है? हे, कहाँ घुस रही है? परफेक्ट। हेलो, टोले के साथ फोटो। फोटोस क्यों ले रही है? फेसबुक पे डालूंगी ना। Facebook अरे सुनो, कपड़े धोने का मशीन है ना, और बर्तन धोने का मशीन भी चाहिए। चिकन में एसी नहीं तो लगवा लेना, और गैस चूल्हा नहीं इंडक्शन चूल्हा चाहिए। अरे तो है कौन रे? विकिपीडिया पे पढ़ा नहीं क्या? काम वाली भाई है। मेरे को काम वाली बोल के गाली मत दे। मेरा नाम सुचित्रा है, प्यार से सुची। लगता है पढ़ लिख कर भाई बनी है। बता चिकन कहाँ पर है? मतलब किचन। हाँ वहाँ पर है। ओ, मेरा प्रोटीन शेक पीने का टाइम हो गया, अभी आई। अरे सामने आ गया। अच्छा नहीं लगा। कोई मत खाओ, 5 मिनट में मैं बना के लाता हूँ। ब्लू में तुम बहुत जान में शहद घुल रहा है, थोड़ा कम मीठा बोलो। भाभी को दिया, तू बैठ ना। तुम बहुत शरारती हो। उसके बाद इसने अपना नाम बताया। कैसे दिख रही है? अरे नहीं भाई, बहुत बदमाश हो गई है। ये देखो, पहले तुमने मेरा दुपट्टा खींचा था, फिर मैंने शर्ट उतारी थी। नोटी, मैंने शर्ट उतार दी थी। चुप रहो। टिफिन का है? ये रहा। अचार डाला? रखा, ले ले। और कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट और। सूची, कल मेरा लंच बॉक्स 8 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए। और मेरा 6:45 होना चाहिए। 6 बजे से ब्रेकफास्ट टेबल पर। कॉफी 5 बजे तक चाहिए। मतलब रात के 2 बजे पति को अकेला छोड़ कर यहाँ चिकन संभालने के लिए आ जाऊँ? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तो छोड़ दो पति को। पगार कब देगा बोल? बोल। क्या इस महीने की पगार? असली सवाल पूछा, भाग गया। हे, पगार मैं दे दूंगी, मेरा काम पहले कर दो, उसका काम बाद में करना। मैडम, सूची को पैसे से नहीं खरीद सकते। डब्बा रेडी हो गया, ऑफिस निकल। मैडम, सैलरी नेस्ट करो ना, पिज्जा दुकान के बाहर बड़ा पाव खाना है। नेस्ट नहीं, NEFT। हाँ आप समझ गए ना, बहुत है बहुत है। मैडम मैडम, स्टैचू स्टैचू स्टैचू, पे के डब्बा। ओह थैंक यू। असली तंगे तो अब शुरू होने वाले हैं। जो कार साफ करेगा वही कार ले जाएगा। मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना, मैं यहाँ किसी के भी बाप का ड्राइवर नहीं हूँ। मत भूलो, कार का डाउन पेमेंट मैंने किया है, पर इसमें पेट्रोल मैं भरवाता हूँ और CNG मैं डलवाती हूँ। पगली, मियां बीवी के झगड़े से मेरा सिर दुखने लगा है। चीची, EMI नहीं भरी तो गाड़ी बैंक वाले ले जाएंगे, पर अपने को क्या? चल सोची तड़का मार। दिमाग का भरतनाट्यम हो गया। अच्छा, दिमाग को म्यूजिक की मालिश मिल जाए तो मजा आ जाए। बस तेल गरम हो रहा है। सही है। Now it's time for my song. Start music. स्टॉप करने को बोला, काम नहीं, काम करो रे। धोखा जा रहा है। बढ़िया चुन्नी लाल, लटके छटके अच्छे लगे। नहीं रे, वो प्रोजेक्ट अच्छा लगा। हाथ में लग गया, स्टील बॉडी है। पता नहीं इसके घर वाले इसको कैसे झेलते होंगे। अच्छा भाई लोग, रात को मीरा का बर्थडे पार्टी है, तुम सब आने वाले हो ना? क्यों नहीं आएंगे? अच्छा चुन्नी, पारो तो आ रही है ना? मुझे क्या पता। प्लीज यार, तुझे बुलाना है तो तू ही फोन कर उसको। दिव्या, पीने के बाद तो मुझे बुझा हुआ बल्ब लगती है। क्या भैया, हमेशा मजाक करते हो। बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। पार्टी छोड़कर यहाँ अकेले क्या कर रहे हो चुन्नी? ऐसा ही मन नहीं लग रहा। मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, तो मुझे बहुत अपसेट दिख रहे हो। अगर कोई तकलीफ है तो मुझसे शेयर करो।
मुझसे नहीं तो पारो से ही कर लो। पारो ही तो तकलीफ है, सुबह होती है ताने देने से और रात होती है पीठ दिखा के सोने से। आमना सामना होता भी है तो सिर्फ डीपी पर। अच्छा मूड भी उसका चेहरा देखने के बाद खराब हो जाता है, फिर भी उसका दिल रखने के लिए झूठी तारीफ भी कर दो तो भी चढ़के ही जवाब देती है। जिंदगी नर्क बना दी है मेरी, लाख कोशिश कर ली पर वो नहीं बदलेगी क्योंकि उसकी परवरिश ही खराब है। स्टॉप इट। पारो मैं इनसे प्लीज। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है? अपनी बीवी की बातें किसी गैर औरत के साथ शेयर कर रहे हो और फिर मुझे कहते हो कि मेरी परवरिश गलत हुई है? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ये कोई अजनबी नहीं है। हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते के बीच ना ही पेरेंट्स बोल सकते हैं और ना ही बच्चे, और तुम हमारी पर्सनल बातें ऐसे पब्लिक में उछाल रहे हो। तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। देखो पारो, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। ओहो, मैं तुम्हारी गलतियाँ निकाल रही हूँ तो तुम्हें तमाशा लग रहा है, और जब तुम बात करते हो तब तो फूल बरसते हैं ना। हम करें तो पाप, तुम करो तो पुण्य। अब बस करो। बस तो अब हो ही गया है, मुझे यहाँ नहीं रहना। चलो वापस चलते हैं, गाड़ी निकालो। ये लो जाओ। ओह, गाड़ी चलाने नहीं आती और तुम मुझे चाबी दे रहे हो? मुझे मारना चाहते हो क्या? मैं इसका भला चाहता हूँ पर ये मुझे दुश्मनी मानती है। झगड़ालू डायन। प्लीज चुन्नी, मेरे कहने पर इसे घर छोड़ दो। ये बोल रही है इसलिए। चलो दिव्या मैडम का मैसेज है, स्टॉप करो ना, रिप्लाई करो। तुमसे माथा खपाने की ताकत नहीं है। लेकिन उस औरत के सामने मुझसे लड़ने की ऐसी एनर्जी आ गई थी जैसे एनर्जी ड्रिंक पी के आए हो। इससे अच्छा तो तुम्हें रिक्शा में भेज देता। ठीक है, मुझे उतार दो, उसके पास जाओ, वेट कर रही होगी तुम्हारा। चुप कर। तू चुप कर, गाड़ी रोको। बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना गाड़ी रोको। बोला ना नहीं। ठीक है, मुझे कूदना आता है। कूद जाती तो मर जाती पता। तुम खुश तो हो जाते। पारो चुपचाप गाड़ी में बैठो। नहीं बैठूंगी। कैसे जाओगी घर? कैब से चली जाऊंगी। रात वाली के ड्राइवर अच्छे नहीं होते। ड्राइवर के साथ सेफ तो रहूंगी। ये बात बताने के लिए इतनी दूर से मुझे यहाँ पे लाइयो। हेलो, कार मेरी है समझे ना, तुम बस कार के ड्राइवर हो और तुम खुद मेरे पीछे आए थे। ड्राइवर मुझे बहुत छिछोरा लगा इसीलिए मैं कैब से जा रही हूँ। क्लच की तरह तरह गला दबा दूंगा। हाथ मत उठाना राजा। अरे आप अभी के अभी डिवोर्स करा दीजिए। मैं डायरेक्ट गोवा से। देखा ये कैसे तमाशा करती है। जानती हूँ मैं कड़वा बोल रही थी और तुम्हारे मुंह से तो शहद टपक रहा था ना। मेरी हर एक हरकत तुम्हें भूतनी की तरह लगती है बस। देखा इसने कबूल कर लिया ना। तुम भी तो राक्षस हो। बकवास मत करो। तुम भेजा मत खाओ। अरे, अरे, अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? अगर किसी ने तुम्हें इस तरह झगड़ते देख लिया तो तुम्हारा टिकटॉक बना देंगे या सीसीटीवी से ये फुटेज निकाल कर उसे फेसबुक और यूट्यूब पे अपलोड कर करके करोड़ों कमाएंगे। बेइज्जती होगी वो अलग। मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, ठंडे दिमाग से बैठ के बात करेंगे। वकील साहब देखिए मेरी बात। बकुड़ा बकुड़ी प्लीज अपने वकील की बात सुनो। सूची सिन्हा क्या चल रहा है? ट्रेडमिल डंबल और फिल्म सर। अरे वाह, 3-in-1। खजूरिंग पिक्चर देख रही हूँ। खजूरिंग नहीं कॉन्जूरिंग। बहुत ही सीलिंग पिक्चर है सर। सीलिंग नहीं थ्रिलिंग। तुझे इंग्लिश बोलने का इतना शौक है तो सीख क्यों नहीं लेती है? अरे बर्तन मांझ कर मैं स्मोकिंग क्लास जाती है। अरे स्मोकिंग इंग्लिश नहीं स्पोकन इंग्लिश होता है। मॉर्निंग मॉर्निंग डोंट शिट सर। लिट कर रही है शिट नहीं शाउट होता। अरे जाती जाती जाती। खुद ले लो, तुम्हारी नौकर नहीं हूं। समझ में नहीं आता कि इसे मैंने काम पे रखा है या मुझे इसने काम पे रखा हुआ है। मेरी कुंडली में ही नासपीटी औरतों का योग लिखा हुआ है। वकील ही मुझे इनसे छुटकारा दिला सकता है। सर आप जल्दी नहीं मरेंगे सर। अंदर आपका नाम लिया और बाहर आप मिल गए। नाम लिया और शैतान आया। खुद को सही पहचाना है ना। बैठिए। कुछ लेंगे सर? जल्दी से तलाक करा दो, गोवा में पार्टी दूंगा। गोवा तुम्हें होके आया, बैंकॉक चलें। मैं आपको पटाया ले जाऊंगी, ये आदमी मुझसे झेला नहीं जा रहा है। दोनों को शांति तभी मिलेगी जब तलाक मिलेगा। कुछ और मांगो, मैं तलाक नहीं दिला सकता। हा? क्यों, जज की शादी है क्या? नहीं बकुड़ा, तुम दोनों प्यार मोहब्बत से साथ में रहोगे तो मेरी जान में जान आएगी। मुझसे ना होगा। मैरिज ब्यूरो शुरू किया है क्या? मजाक नहीं कर रहा, बीवी की कसम। प्लेन टेक ऑफ के टाइम जैसे दिल ऊपर नीचे होता है ना, वैसा ही आपके साथ भी हो रहा है। तुम्हारे दिमाग की धूल को मैं धोऊंगा पर पहले अपनी धोकर आता हूँ। जल्दी आना, भूल मत जाना। ज्यादा टाइम नहीं लगता मेरे को। वकील साहब जरा मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो।
उम्मीद जगा के तोड़ क्यों रहे हैं आप? तोड़ना ही है तो हमारा रिश्ता तोड़िए। नहीं तोड़ सकता। ए, डिवोर्स होने वाला है तो हाथ क्यों लगा रहा? मुझे बात करने दे। सर, आपकी फोटो तो पेपर में छपी है, आप जज बनने वाले हैं क्या? एक कर्मचारी, ठीक से पढ़ना, क्या लिखा है? एक रोड एक्सीडेंट में मशहूर एडवोकेट लवकेश घर तोड़े और उनकी पत्नी की मौत हो गई। कहाँ गया? भूत, वकील का भूत, कचरा, राजमहल, बचाओ, बचाओ। अरे किधर है भूत? खजूरी लेकर डर गए, कंचना देखेंगे तो इनका सुसोई निकल जाएगा। चिल्ली फेलोस, मुझे लगा उसने अपने आप को शैतान, मजाक में बोला। क्या वो सचमुच का भूत है क्या? अरे मुझे पूरा। अच्छी हो या बुरी, आत्मा झूठ नहीं बोलती। बीवी ने तो कभी नहीं सुनी, तुम तो मेरी बात सुन लो। मेरी बात सुन लो मारा प्रेमी पंखिड़ा। चल निकल। हेलो हनुमान दादा, पगे लागू छू, मजा मा? आत्मा ये भी एवेंजर्स की तरह होती है, कुछ असर नहीं होता हम पे। और मैं कहाँ तुम्हें नुकसान पहुंचाने आया हूँ, मैं तो फ्रेंड रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। इसके लिए तो तुम दोनों मुझे देख सकते हो। हम पे इस मेहरबानी की वजह क्या है? क्योंकि भाग्यश्री लॉटरी में तुम्हारा नाम निकला है। हम लोग जीत गए क्या? नहीं, मेरी बात सुन के जीतोगे। बोलिए ना क्या मौका है। वारदात पे क्या हुआ बताता हूँ। गोवा जाते हुए मैंने ओवरटेक किया, तभी यमराज ने मुझे टेक ओवर कर लिया। खेलने ही आ रहा हूँ, लेकिन ये डिजिटल लक्ष्मण रेखा, मैं तुम्हारे बिना फिर से मर जाऊंगी। अंदर आओ ना। अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू जाना मत। चली गई, ये कैसा अन्याय है भगवान, ये क्या किया? क्यों बंटा है, क्यों चिल्ला रहा है? तू कौन है बे मामू? मारी भाईडी, मेरी इकलौती वाइफ। तेरी वाइफ स्वर्ग में नींबू पानी मार रही है, पर तेरे को अपुन ने रोक रखा है। आप है कौन भाई साहब? सूट बूट से तो ट्रैफिक हवलदार लग रहे हो, लेकिन मियां बीवी को अलग कर दिया, ये बहुत गलत काम किया। नाटक कंपनी के एक्टर हो? कहीं तुम सचमुच गॉड तो नहीं? ओह माय गॉड, पगे लागू गेट पे रिसीव करने आए, इतनी इज्जत दी मुझे। पर बापू एक डाउट है छोटा सा, संस्कृत के श्लोक छोड़ के बंबईया श्लोक। देख वीडियो, एक दिन अपना मूड खराब था तो अपन ने चिल मारने की सोची। तेरे को मालूम नहीं इधर स्वर्ग में नो स्मोकिंग जोन है, तो अपन ने सोचा करे तो करे क्या, तो गली बाय नई नई रिलीज हुई थी तो अपन ने देख डाली, तो तब से अपनी लैंग्वेज ना ऐसी छो गई है, कभी बिड़ू बोलता है कभी भंटाई बोलता है, करेगा तो क्या करेगा। सरस छे बापू, बस अब जल्दी से स्वर्ग का आधार कार्ड आप ही दो। अपन के फंटर तो तेरी तारीफ कर रहे थे। अरे मैं पृथ्वी का बहुत बड़ा लॉयर हूँ गोड कुमार, छोटी सी लाइफ में 99 डिवोर्स करा दिया, सबका छुट्टा छेड़ा, सेंचुरी में एक ही घटता है। गिनीज बुक वाले मेरा इंटरव्यू लेने आने वाले, गोवा ट्रिप से लौटते ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दूंगा। लाओ हमारी रिटर्न टिकट। देख भाई इधर एक टेक्निकल लोचा है, तूने आज तक जितने भी डिवोर्स कराए ना, वो सब छोटी छोटी बातों के लिए। अगर तू चाहता तो वो सब डाइवोर्स रुक भी सकते थे बेड़ू, और अपन के पास फुल कटिंग है, तूने सीधे साधे लोग का माल भी बहुत अंदर किया। मैंने तो बस अपना काम किया है, पहले काम फिर पूजा, आप ही से सीखा है प्रभु। देख भाई तू अपने को पूजा के चक्कर से मत डाल, तूने झोल किया कि नहीं? सॉरी प्रभु, पहली गलती माफ कर दो, मुझे बीवी के पास जाने दो। ऐसा क्या? ठीक है बेड़ू, उसके लिए तुझे एक गेम बजाना पड़ेगा। किसका गेम बजाना है भाई? पारो और चुन्नी के डाइवोर्स से तेरी सेंचुरी पूरी होने वाली थी ना, अभी तू उनके पास जा, उनको पानी में शक्कर की तरह घोल डाल, इससे तेरे पापों का ड्राई क्लीन हो जाएगा, फिर तो अपनी वाइफ के साथ फ्री वाईफाई की तरह घूमना। ओह माय गॉड, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, उन दोनों को छुट्टा करने से भेगा करना इजी है। ढिंचिका ढिंचिका ढिंचिका, प्रभु मैं यूं गया और यूं आया, ये है पूरी वार्ता। अब अगर खाली आधे घंटे के लिए मेरी बात सुन लो तो मैं तुम्हें भेगा करके स्वर्ग में एंट्री ले लूं। इम्पॉसिबल, इस जन्म में तो भूल ही जाओ। बकुड़ा, किसी जन्म में नहीं होगा, मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना, मुझे स्वर्ग में जाना है। हाय। फिर टपक पड़े, जब जिंदा थे तो घर तोड़ते थे, मरने के बाद घर छोड़ना चाहते हो, कैसी दोगली आत्मा हो। सर किससे बकवास कर रहे हैं? तेरे से नहीं कर रहा हूँ, तू रसोई में जा। तो यहाँ आपके और मेरे अलावा और कौन है?
शैतान से बात कर रहा हूँ, यही बैठा आजा मिलवाऊं तुझे। आत्मा बोल के इंट्रो दो यार, ये क्या शैतान बोल रहे हो। हेलो जानू, किससे बात कर रहा हूँ, काम वाले ना, अपने काम से काम रख। भिखारी पैसा तो बढ़ाता नहीं है, दिखाता ऐसे जैसे अगला अंबानी यही है। कौन बोल रहा है? मैं जमकर तोड़े। अच्छा खड़ी हो, बाथरूम लीक हो रहा है, आकर ठीक कर दो। फोन मत काटना। मैं घर तोड़े का असिस्टेंट जमकर तोड़े, हम दोनों का साथ खबीस और शैतान जैसा था, याद आया? ओ तोड़म दाड़ी ब्रदर्स, आपका असिस्टेंट है। ओ तेरी, मैं तो रोमिंग पे हूँ, तुम ही बात करो। हाँ बोलो क्या बात है। एक गुड न्यूज है सर। गुड न्यूज? यहाँ सर का काम ठंडा था, इसलिए केस लड़ने के लिए वो नर्क में चले गए। हाँ मालूम है। आपको कैसे पता साहब? किसने बताया? यहीं पे तो है वो। मैंने नर्क में तो फोन नहीं लगा दिया। हो गया, फोन रखो। ओके, आपके डिवोर्स केस की लड़ाई मैं लड़ूंगा। मेरे साहब जी मेरे सपने में आए थे, बोले कि मैं नर्क में हूँ। मैं तो नहीं गया था, यमदूत ने उनके हाथ पे मार मार के हाथ सुझा दिया है, उनके धोने तक के वांदे हो गए हैं। अगर मैं आपका डिवोर्स कराने में सफल रहा तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। शांति में इनका रंबा सब मिलेगी। थैंक यू सर। बॉस मरा तो चेला बढ़ा। समझ गया प्रभु, ये सब तुम्हारी चाल है, लेकिन ये आइडिया नहीं चलेगा। मेरा असिस्टेंट निकम्मा है, उससे नहीं होगा ये डिवोर्स। माय डियर कामगार, मैंने आप सबको एक इम्पोर्टेंट न्यूज देने के लिए बुलाया है। आपकी शादी हो रही है क्या सर? तेरी तो, अपनी बीवी को लेके आपसे शादी करता हूँ मैं, कुंवारा अच्छा नहीं लगता? ए बकुड़ा, तो अब मैं जो कहने जा रहा हूँ। अबे नहीं सुन रही तेरी बकवास, जब देखो बार बार निकल यहाँ से। छनीलाल क्या प्रॉब्लम है? कान में जुई घुस गई थी, उससे बात कर रहा हूँ। ध्यान दो। देता हूँ। बाप रे, ये तो बहुत खड़ूस है। इस बार के प्रोजेक्ट से कुछ ज्यादा फायदा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि उस फायदे से तुम सभी फायदा उठाओ, है ना फायदेमंद बात? अगर मुझे कोऑपरेट करोगे तो मुझे एंट्री मिलेगी, मेरा फायदा होगा, लेकिन उसके लिए सबको साथ देना होगा। तेरे फायदे के लिए अपना नुकसान कर लूं? ए, चुन्नीलाल, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या हो रहा है तुम्हें? ब्लूटूथ पे बात कर रहा हूं। उधर तो टूथब्रश भी नहीं है। गिर गया नीचे। ये भाई मेरे पैर मत पकड़, ये मोटा भाई कौन है? तुम्हारा टीम लीडर है। यू मे गो। थैंक यू सर। ओके, ये वकील का केस कैसे सॉल्व करूं? मेरा प्यारा बकुड़ा, सर चकरा रहा है क्या? अबे ठीठ, तू गया नहीं अभी तक? मेरी एक बात मानो, बारो को पकड़ के गले से लगा लो, प्यार की आग फिर से जलेगी और डिवोर्स कैंसिल। उसके साथ वक्त बिताने से अच्छा मैं गन्ने की मशीन में सर डाल दूं, ये मुमकिन नहीं है। तुम दोनों तो बुझे हुए दिए हो, पर हमारी आग के बारे में तो सोचो। अच्छा एक काम कर। हाँ। उसको मना ले, वो मान गई तो मैं मान जाऊंगा। गॉड प्रॉमिस घोस्ट प्रॉमिस। चुन्नी क्या हुआ, तुम किससे बात कर रहे थे? किसी से तो नहीं। मीटिंग में भी ऐसे ही कर रहे थे और यहाँ पर भी कर रहे हो, मुझसे नाराज हो क्या? मक्खी कभी शहद से नाराज होती है क्या? बात को कैसे बदलना है कोई तुमसे सीखे। वैसे मेरी पप्पी का टाइम हो गया है। ये बकुड़ा, दिव्या के साथ गरबा कब से चालू है? तेरे को क्यों बताऊं, तू जा अपना काम कर। अब बुझेगी बदले की आग, डायन के पीछे भूत को लगा दिया, क्या पॉलिटिक्स खेला है, वोट फॉर मी। हेलो बकुड़ी, इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो, भूत देख लिया क्या? व्हाट हैपेंड मैडम? कुछ नहीं। तो फिर गला क्यों फाड़ा, तुम घोष्ट देखा क्या? उड़ने वाला कॉकरोच देख लिया था बस। कॉकरोच देखा या क्रोकोडाइल? तुम जाके अपना काम करो ना, जा। जाता है। बकुड़ी, मेरे को तुमसे पर्सनल काम है। कोई काम वाम नहीं है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, हॉलीडे दे रहा है। कितना स्वीट है तुम, मैं बॉयफ्रेंड। अरे यार ये कितना भेजा खा रही है, दिमाग खराब हो गया है? तुम गई तो काम कौन करेगा, तुम्हारे पिताजी क्या करेंगे? मुझे बहुत भूख लगी, जाओ सैंडविच लेकर आओ। ओके। ये बकुड़ी रानी, 24 घंटे में से आधा घंटा दे दो, ये गरीब का भला हो जाएगा। देखिए मिस्टर लोकेश घर तोड़े, मैं आधा का आधा मिनट भी नहीं देने वाली। मुर्गी का माफे क्यों चलता है? पुलिस में कंप्लेन करूंगी। उससे अलग होने की वजह तो बताओ। मैं तुम्हें उससे अलग होने की हजार वजह बता सकती हूँ, क्या तुम एक भी ऐसी वजह बता सकते हो जिसके लिए मैं उसके साथ रहूं? बहुत नेक है वो। जब हम ऑफिस आए थे तो तुमने क्या कहा था कि अगर मैं तुम्हारा तलाक न करवा दूं तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। क्या मैंने ऐसा कहा था? और भी बहुत कुछ कहा मम्मी, कि दो दिन में तुम्हें चिड़िया की तरह आजाद कर दूंगा, और अब खुद ऊपर उड़ गए। अभी तुम्हारी हटी हुई है बकुड़ी, जगह पर आने दो, पछी मरसू। मैडम मैं कब से वॉच करता है, तुम अकेले में गॉसिप करता है, कुछ तो झोल झपाटा हो रहा है मैडम। लगता है तुम्हारे ऊपर भूत का शेडो है, उसको रिमूव करने को मांगता है। सही कहा, भूत भगाने वाले तांत्रिक को जानती हो? बस क्या मैडम, अपना अंकल बहुत बड़ा तांत्रिक है, इधर इस डाइन गली में रहता है, मैं बोलेगा ना तो मना नहीं करेगा, बस तुम उसकी वाइफ का एक ड्रेस बना देना। ठीक है उसको बुला। भूत के भगाने वाला आ गया, भूत भगा लो, भूत 5% की छूट। ये भूत नहीं है, तांत्रिक है, मैंने इसे बुलाया है।
भूत के चक्के चढ़ा दे गए। ए, तेरा नाम पारो है। हाँ? इस बाज को देखा है, भूत को निकल जाएगा। इतनी किटकिट काई को कर रही है, मेरे पीछे आ। हाँ, आजा। हाँ, और मेरे बाज के लिए दो चाय बोल। ये तो चूहा पकड़ने वाला लगता है, मेरा बाल भी नहीं पकड़ पाएगा। इतले मारी बात मानो, दोनों एक हो जाओ। ये घंटी कौन बजा रहा है? कौन है? माफ करो बाबा। चुन्नी बाबू बाबूजी नाय मुखर्जी बंगाली। ओ आई आई, नमक स्वाद अनुसार, रंग के लिए हल्दी, तीखे के लिए लाल मिर्च, और उसके बाद खाने वाला सोडा। हांडी तैयार। लगता है बहुत बड़ा भूत है, इसलिए दो लोगों को बुलाया है। ये बंगाली कौन है? पागल साइंटिस्ट है, ये भूतों को छोटी उंगली बना चाहता है। तो ऐसा बोलो ना, भूतों का कोरियोग्राफर है। पकड़ लिया, छोड़ दे। हाँ छोड़, चल भाग तेरे में। ये भूत निकल, यहाँ से भाग जा, वरना तेरी आंखों में नमक मिर्ची डाल के अंधा कर दूंगा। उड़ी बाबा, ये क्या चल रहा है? ये भूत को डिस्टर्ब करता है, हम जाता है। नहीं नहीं, वो भूत का कॉलर पकड़ेगा, हम गिरवान पकड़ेंगे। मेहनत वो करेगा, मलाई हम लोग खाएंगे। चलो साफ गंडगोल कर रहा, लगता है मैंने इसे ताड़ी माड़ी केंद्र में देखा है। काली माँ, भूत पकड़ा दे। आमीन। तेरा वाला भूत क्या मच्छर भी नहीं पकड़ पाएगा? ओ बलि दादा, दादा हमको भूत दिखा। ए पीछे क्या कर रहा है? सामने दरअसल सामने है। अरे पाउडर खत्म हो रहा है। आजा जय कोली, कोलकाते वाली, तेरा बोचर न जाए खोली। अबे बात हो गया उसे। ए मंदिर के नाम क्यों कर रहा है? औसम कर देगा। मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। भूतनी घर की रानी है, मंदिर वही बनानी है, धर्म के नाम पे लड़ानी है, कुछ नहीं करने की ठानी है, वापिस से सरकार बनानी है और हम सबकी बचानी है। भूखा हो गया है। अफगानिस्तान, कोजाकिस्तान, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। आजा। इसके बोतल में हुक्के का धुआं है। भूत मैंने पकड़ा है। तेरे वाला काम का नहीं, मेरे वाले ने पकड़ा है। भूत बोतल में नहीं, कलश में आता है। अरे क्या कर रहे हो बार बार? बंगाली बंगाली नहीं। ना बोतल में ना लोटे में प्रेशर आया था तो गया था मैं टॉयलेट में। बकुड़ी बकुड़ा, ये मेरे को पकड़ क्यों नहीं पाए? बाटली का मुंह छोटा था, इसलिए तुम फिट नहीं हुए। इनका ब्लूटूथ तो दिख नहीं रहा, फिर ये किससे बात कर रहे हैं? चुनी बाबू सुनो, रुको, क्या डिसाइड हुआ? तुमने पकड़ा है इसने? देखो, जो हमने पकड़ा है। जब देखो पकोड़ा पकोड़ा करता रहता है, जरूर रस्ते में पकोड़ा बेचता होगा। चल बंद कर, लोटे के फीचर्स बता। ये एक प्राचीन भूतनी है। अच्छा। बहुत ही सुंदर, हड़प्पा के टाइम की, इनकी परदादी है, इसलिए इसकी नजर से बचा के रखना। दादा तुम्हारा इस बोतल का भूत आजादी के पहले का है, जो अब जाके कैद हुआ। ये आदमी झूठ बोल रहा है। एक मिनट, आजादी के पहले का भूत? हाँ, हाँ, पैसा दो वरना छोड़ दूंगा। देखा तुम्हें क्या क्या बना रहे? पीछे क्यों देख रहे हो? भूत यहाँ है, वहाँ नहीं है। कैसे जीवन बिता हमसे गलती हो गया, अब कभी ऐसा गलती नहीं करेगा। अबे तू नेपाल से है क्या? मेरे गोरखपुर से लव यू बकुड़ा। तेरी जाग का पैदा मारू? अपन की वकालत पे शक है तेरे को? अबे जज लोग को ट्यूशन देता हूँ मैं। अपन फटफटिया पे बैठ के रॉयल एनफील्ड का पूरा मजा लेता है। गरीबी में पला हूँ पर दिल का राजा हूँ, दिल का राजा हूँ। जुगनू की रोशनी से पढ़ाई की है अपन ने, और फटे यूनिफॉर्म में स्कूल जाता था। म्युनिसिपैलिटी के मेरे प्रोफेसर, प्रोफेसरिया और टीचर, जब कोई सवाल उनसे हल नहीं होता तो मैं हल करता था। आज भी मेरे बर्थडे पर गिफ्ट भेजते हैं, राइट पैर का जूता, लेफ्ट पैर का मोजा, और यहां तक के चड्डी बनियान भी मुझे उन्होंने ही गिफ्ट किए हैं।
आपको मैं एक बात बताता हूँ, लेकिन किसी को बोलना मत। हाँ बोल। मेरे गुरु ने 99 केसेस जीते हैं, लेकिन उनमें से 98 केसेस का आइडिया मेरा था। मैं तो उनको जज बना डालता, पर वो जल्दी टपक गए। पता नहीं वो कहाँ होंगे। अरे यहीं तो बैठे हैं। अगर वो मतलब उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है। ये तेरा मुंह है कि बीएमसी की गटर है, ढक्कन खुला और बदबू फैली। दिल भर गया मेरा तो तेरी बातें सुनकर। इसको केस मत देना बकुड़ा, इसकी लॉयर। इतना बड़ा वकील यहाँ बैठा है तो मुझे देखने की बजाय वहाँ क्या देख रहे हो? चलो मुद्दे की बात करते हैं। ये देखिए टोटके किए हुए पेपर्स। बस इन पे साइन कर दो। कसम से तुम्हारा घर उजड़ने से कोई नहीं बचा सकता। चोर है तू लुटेरा, मेरे बाद मेरी बैग से पेपर भी निकाल लिया। देखो भाई मैं भगवान से दुआ करता हूँ इससे भी ज्यादा घर बसाओ बीवी मिले आपको। इसकी चिंता छोड़ो, इसे मैं देख लूंगा। ऐसा क्या देखा इसमें जो तुमने इससे शादी कर ली? पता है मैं मैरिज ब्यूरो भी चलाता हूँ, एक से एक डिवोर्स ही लड़कियां हैं। बस इन पेपर्स पे साइन करने के बाद 10 दिन में तलाक पक्का। ये नालायक तो मुझ मरे हुए को मारने पर तुला है। नहीं बकुड़ा साइन मत करना, पैर पड़ता हूँ, मेरी बात मानो, मेरी जिंदगी नरक हो जाएगी। बकुड़ा हाथ जोड़ता हूँ, साइन मत करना। अरे जल्दी साइन करो यार, मुर्दे पर रहम करो। अच्छा आपको एक बात बता दूं, मेरे मैरिज ब्यूरो में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, हनीमून ट्रिप भी फ्री। हो गया गुरुजी, नर्क से आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद, पहला के सक्सेस। लगी क्यों चला बड़े घर मुंह देखती है मनुष्य। मेरी ट्रेन छूटी, मैंने पकड़ा प्लेन, प्लेन उड़ा। उसे घर के अंदर क्यों नहीं बुलाया? मैं नहीं होती तो बेडरूम के अंदर ले जाते ना। ओ मेरी इज्जत करते हो। अरे जा, तू तो पुराना मॉडल है, देख कल से क्या एक से टॉप मॉडल लेकर आऊंगा। तुम जैसे निकम्मे के लिए मैंने अपनी पूरी फैमिली को छोड़ दिया। ओ? तुम्हारा चेहरा देखकर भी मुझे घिन आती है। मुरझाया फूल क्या बोले? रुक, मैं क्या आसमान सेटअप का हूँ? मैं अपनी फैमिली छोड़ के नहीं आया क्या तेरे पास? एक लड़की का दर्द तुम मर्द कभी नहीं समझ पाओगे। तुम तो बस हमें खिलौना समझते हो, खिलौना। अच्छा तूने तो आदमी की तकलीफ समझने में पीएचडी कर रखी है ना। अरे तू क्या समझेगी एक मर्द की तकलीफ? तुम्हारे चेहरे को ही देख के मेरा खून खौल रहा है। तो अंधी हो जा। एक बार डिवोर्स मिल जाए चली जाऊंगी यहाँ से। बड़ी मेहरबानी होगी, तुझसे अलग होने का साइन किया तो प्रमोशन मिल गई, तुझसे अलग हो जाऊंगा तो राष्ट्रपति बन जाऊंगा। बोलूंगा जनता ना बीवी रखो ना घर गृहस्थी बसाओ, बुलेट पर बैठो लद्दाख देख लो। ऐसा कानून बनाऊंगा कि शादी करने वाले को सीधा जेल। अरे फूलचंद, गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हमें तो तलाक मिल चुका है, अब तेरा क्या होगा? वो तो मानने से रही और मैं मानूंगा नहीं। हम मियां बीवी का चक्कर छोड़ो, कोई अच्छा सा स्मशान ढूंढ। वह चंपा भाई का मुजरा देख और चिल्लर लुटा। ओ तेरे पास चिल्लर कहां से आएगा? चल अब जा, मियां बीवी की लड़ाई में डिस्टर्ब मत कर। ये पुरुष नारी की पीड़ा नहीं समझ पा रहा, नारी उस पुरुष की पीड़ा नहीं समझ पा रही। क्या दोनों जिंदगी भर ऐसे ही लड़ते रहेंगे? मुझे गॉड ने एक इच्छा का वरदान दे रखा है, उसी का इस्तेमाल करता हूँ। चुन्नी की आत्मा को पारो की बॉडी में और पारो की आत्मा को चुन्नी की बॉडी में डाल देता हूँ, तभी ये एक दूसरे को समझ पाएंगे और इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। हे माता जी, काम तो थई गयो। Thank you.
फीलिंग क्यों आ रही है? अंदर से पारो, बाहर से चुन्नी, ये क्या हो गया? मैं आदमी बन गई तो वो क्या बना है? चुन्नी कौन है बे? अरे बाबा उठो ना जल्दी। मैं पारो के शरीर में और मैं तुम्हारे, कैसे कैसे आ गया? शरीर अदला बदली, मतलब हमारे हाँ बदल गए। बदल गए? कहाँ जा रहा है? खिड़की से कूदेगा क्या? अरे अपुन बाहर से तो लड़की दिख रहा है लेकिन अंदर से तो अपुन लड़का है। और मैं बाहर से लड़का दिख रहा हूँ, अंदर से लड़की हूँ। झोल है भाई, हम दोनों बदल तो गए पर ये किसने किया? पंखेड़ा, ये कैसा शारीरिक संबंध है? पूरा सिस्टम बदल गया ना। मैंने ही बदला है, जैसे को तैसा मिला। ठीक से बैठो ना। तेरी भैंस। भगवान, ये कैसी परीक्षा है? क्या बेटा, एकदम ठुस हो गया तू तो। भगवान, मेरे भेजे में एक बात फिट हो गई है। पति पत्नी का कनेक्शन काटना आसान है पर उसे वापस जोड़ना बहुत मुश्किल है। अब एलईडी जली तेरी, तभी तो आरी से ज्यादा फेविकोल बेचने वाला महान है। अभी ये सब ज्ञान का क्या फायदा? जो मैं करता था तुमने किया, मुझे अटका दिया। दो दिलों का तोड़ना बहुत आसान है, मिलाना बहुत मुश्किल। अच्छा, मान लिया कि मैं चोर हूँ, धोखेबाज हूँ, 420 हूँ, 840 हूँ, सब मान लिया, पर मेरी बीवी का क्या कसूर है? उल्टा वो तो आपकी भक्त है। आइला, कोर्ट के पैतरे इधर आज मारा, औरत लोग अपन के नाम का मोर्चा निकाल डालेगी। चल बेड़ो, अपन तेरे को एक वरदान देगा, मांग डाल। आइला, एक बार बीवी मिल जाए फिर चुन्नी और पारो का सरदर्द ही खत्म। अगर ऐसा मांग लू कि एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो बीवी मुझे वापस जिंदा मिल जाएगी। ये नहीं हो सकता बंटा है। काय को? अगर ऐसा कर सकता तो अपन आसमान में नहीं रहता आज। अपन की भी एक गर्लफ्रेंड थी पर वो टपक गई क्योंकि उसका हाथ गन्ने वाली मशीन में आ गया। उसकी एक झलक के लिए आज तक अपन छटपटा रहा है। भगवान हो के एक ही वरदान दिया, उसमें भी इतना टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ हेल्प करो। अपन इसमें तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ऐसा क्या? 250 ग्राम के भेजे में थोड़ा वजन डाल, अपन वेकेशन पे जा रहा है, तू तब तक सोच क्या करूं क्या ना करूं। दोनों की बॉडी बदल दूंगा। तुम्हारे पैर पड़ा तुम नहीं मानी, थू, और तुमने भी मेरी बात ठुकरा दी बकुड़ा, इसीलिए मैंने अदला बदली कर दी। तो आज से तुम हो पारो बकुड़ी और तुम हो गए चुन्नी बाबू। पर तुमने ऐसा किया ही क्यों? तुम ही ने मुझे आइडिया दिया, तुम ही ने, इसलिए मैंने कर डाला। इस आइडिया के लिए थैंक यू। मैंने? मैंने? हाँ, तुम दोनों ने। तुम्हें एक दूसरे का दर्द समझ में नहीं आता था ना, फ्लैशबैक में देख लो। एक लड़की का दर्द तुम मर्द कभी नहीं समझ पाओगे, तुम तो बस हमें खिलौना समझते हो, खिलौना। तू मर्द होती तो मेरा दर्द समझ पाती। ओह, अभी याद आया ना बकुड़ी, ये नशे में उसके साथ चिपक के आया इसलिए मेरी जल गई। ए, तेरे ऑफिस में मैं कैसे काम कर पाऊंगा बे? इसके शरीर में बहुत चुभन हो रही है। एक दूसरे से पहले जैसा प्यार करो, फिर बॉडी पहले जैसी, फीलिंग्स पहले जैसी, सब पहले जैसा हो जाएगा। ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। अब तुम्हें इससे खुद के अलावा कोई नहीं बचा सकता। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, लास्ट टाइम गोवा जाते जाते रास्ते में ही टपक गया था, इसलिए अब एंजॉय करने सीधा गोवा जा रहा हूँ। अगर तुम दोनों का मिलाप हो गया तो मेरी मुक्ति होगी और मैं अपनी बीवी के साथ मिलन कर पाऊंगा। मरने की बद्दुआ भी नहीं दे सकती, पहले से मरा हुआ है कलमू। हाँ, आत्मा को कोई छू नहीं सकता, जला भी नहीं सकता। दो आत्माओं का स्वर्ग में होगा मिलन। आई एम कमिंग अर्धांगिनी। क्या आफत है यार, कोई हमारी कहानी पे यकीन नहीं करेगा। औरत के शरीर में डाल दिया अपन को, इसकी चुन्नी, इसकी भैंस की टांग। औरत की बॉडी ना सिर्फ देखने को अच्छी लगती है बस। क्यों, इसी से चिपके रहते थे, यही बॉडी है वो? क्या है तेरी बॉडी में? नाटक में जो लोग लड़कियों का रोल करते हैं ना, उनको देख के फिर भी एक बार फीलिंग आ जाती है। तेरी बॉडी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं संन्यास लेके जंगल चला जाऊं। ए घर तोड़े, वो आएगा तो गड़बड़ करेगा। हम बॉडी बदलने की कोशिश करें? सुट्टा मार के आता है अपन। नहीं,
फिर मेरे मुंह से बहुत बदबू आएगी। सुट्टा मारे बिना प्रेशर नहीं आता है, तो बोल अंदर रहने दू क्या? खराब पेट से बहुत सारी बदबू आएगी। उस बदबू से तो ये बदबू चलेगी। चुप। चीची क्या कर रही है? इनरवेयर। मेरी इनरवेयर क्यों पहनी है? इसके बिना मुझे सूना सूना लगता है। अच्छा तो ये बात है, मुझे घर में खुले रहने की आदत है, टी शर्ट में अनकंफर्टेबल लग रहा है, उतार तू क्या? नहीं नहीं बेशरम। वैसे परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के किधर जा रही है? अपनी ऑफिस। मेरे गेटअप में तू मेरे ऑफिस ही जाएगी, समझी क्या? तेरा ऑफिस खंडर है, तेरा कब्रिस्तान है, तेरा कबूतर खाना है, तेरा शमशान है। हाँ खोलती हूँ, पहले वो उतार मैं देखता हूँ। मेंढक की तरह टपक क्यों पड़ा बे? घर पे मेहमान आए हैं, ऐसे बाहर खड़ा रखते हैं क्या? अरे अंदर बुला के दूध दही लस्सी मक्खन कुछ खिलाओ ना। चलो। कौन आया है? ओह ये है, नमस्ते। क्या बोलता है, चिकना लग रहा है? प्राइमर धो के हाथ लगाता है? अरे गे समझा है क्या? हाँ चल बोल क्या बात है। अरे ये तो टच कर रही है मेरे को, इसका तलाक होगा और मेरा मिलन होगा, पाले में आ गई है, हनीमून के लिए पाकिस्तान जाऊंगा। हाथ हटा, अपनी तो चांदी है बाप। आज कोर्ट की तारीख है, दो दिन पहले ही तो साइन किया था, इतनी जल्दी नंबर आ गया? हेलो जज साहब को 200 रुपए का नया नोट दिया तो उन्होंने तुम्हारी फाइल ऊपर रख दी, क्या क्वेश्चन पूछती है? एक काम कर, पैसा वापस लेके तारीख आगे बढ़वा दे। काई को? रात को मामला उल्टा पुल्टा हो गया यार। मामला उल्टा पुल्टा हो गया मतलब मेरी शादी होने से पहले ही नींबू फिर गया, मतलब मेरा पोपट? नो 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 नो, ये नहीं हो सकता, जज साहब तो मुझे गोली मार देंगे, ये कैसे हो गया? अबे रात में क्या खाया था? मुझे छूनो मत, कल रात कुछ भी नहीं हुआ। ये तो अच्छी बात है, तुम दोनों को मेरे साथ कोर्ट चलना पड़ेगा बस। आइला। बोला ना तारीख बढ़वा दे। अगर इनके तलाक की तारीख आगे बढ़ गई और इनका प्यार गहरा हो गया तो ये मुझे कभी नहीं मिल पाएगी, और मैं ये होने नहीं दूंगा, टोटका मारना पड़ेगा। ऑलराइट, अगर तुम लोग कोर्ट की तारीख पे नहीं आओगे तो दफा 3628, 32D, 420 और दफा 143 लग गई तो पता है क्या होगा? क्या बोलना? 25 साल जेल और 5 करोड़ रुपए जुर्माना। वो कहे को? हमारी गलती क्या है? कोर्ट की बेइज्जती, जज साहब का अपमान। अब बताओ अपन को, ऑप्शन ए कोर्ट जाओगे या जुर्माना भरोगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी? ऑप्शन ए चाहिए। अरे पर हम कैसे जा सकते हैं? क्या मर्दाना ताकत है, क्या टच करती है। ज्यादा टच मत किया कर, ले पकड़। तो बताओ बाबा, डाइवोर्स लेने का खुजली क्यों और कब मचा? बताओ इन्हें। तू बता। नहीं नहीं तुम बताओ ना। पहले तू बता। मर्द मैं हूँ कि तुम? फिलहाल तो मेरा टाइम बहुत कीमती है बाबा, जैसे सुनाड़ होता है ना, हड़गड़ाम का पैसा लेता है, वैसे ही मैं हर बात को सुनने का पैसा लेता है। अच्छा अच्छा, अब प्रॉब्लम किसका है, इसका है या तुम्हारा है? औरत की कोई प्रॉब्लम नहीं है, औरत तो घर वालों को क्या पूरे मोहल्ले को खुश रखती है। मोहल्ले को रखती है, मुझे रखती है क्या? सर ये बीच में बोला ना तो चप्पल उतार के मारूंगी। अरे बाबा क्या औरत की तरह बोलता है, मर्द की तरह बोलना। नारी की इज्जत करती हूँ, वैसे ही बात करूंगी। बाबा तुम चुप करो, इसको बोलने दो नी। सर पारू बहुत अच्छी लड़की है, शुरू से ही औरतों को दबाया जा रहा है, और दबेगी तो चपटी नहीं हो जाएगी। किसी दिन चपटाई करूंगा तुझे। देखा फिर से दिमाग चाट रहा है। अरे बाबा दिमाग नहीं सब्जी खाया कर। झूठ बोल रही है, ऐसे चुप कराओ वरना मैं आपको मारूंगा। झूठ बोल रही है, तुम औरतों के मर्द की तरह क्यों बोलता है? बात यह है कि हमने एक दूसरे का दर्द समझने के लिए अपनी आत्माओं को बदल दिया। अरे बाबा वासु मेरा एक काम कर, इस कॉफी की जगह दारू लाके दे, मेरे दिमाग का चकना बन गया बाबा। जा बाबा जल्दी जा, जल्दी जा। हाँ बोल, बोलिए बोलिए। औरत कामयाबी की सीढ़ी होती है, पर ज्यादा कामयाबी पाने के लिए हर औरत को सीढ़ी थोड़ी बना सकते हैं। औरत कुर्बानी की देवी है, मर्द की सेवा करती है, और ये मर्द हर जगह जाके अपना मेवा दान करते रहते हैं। इस दिवाली पटाखे की जगह ना तुझे ही जलाऊंगा। बीच में मत बोल। अरे बाबा एक एक करके बोलो। सारी प्रॉब्लम इसकी है, ये मर्द का दर्द समझना ही नहीं चाहती, दिन भर घर में उल्टे तकिया की तरह पड़ी रहती है। ये औरतें अपने आप को समझती क्या है? एक बच्चा पैदा कर लिया तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। सर एक बात बताइए, आपकी बीवी आपको 24 घंटे पकाए तो आप उसके साथ रहेंगे क्या? देखो बाबा मेरा वाइफ को बीच में मत लाओ, हमारा भी डिवोर्स होने वाला है। अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया, साथ में वकील करते तो डिस्काउंट मिलता। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा वकील मैं खुद हूँ, तुम्हारा लव मैरिज है ना? हाँ। तो मैरिज के बाद लव कम क्यों हो गया? आप मेरी बात सुनेंगे? इसके लिए अगर मैं छठे माले से भी कूदूं ना इसको कम ही लगेगा। बाबा कितना बोलता है तुम, ये औरतों के भी तुमसे कम बोलता है। दिखा दी मर्द की जात, ताना दे रहे ना कि औरतें ज्यादा बोलती हैं। इनके चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे नहीं सर, आपको मेरी कसम है, मेरा तलाक कराए बिना नहीं उठेंगे। प्रॉब्लम इसकी है और इसको झुकना ही पड़ेगा। मर्द को झुक के रहना चाहिए। झुकता नहीं है, झुकाता है। नहीं झुकूंगी। बाबा चुप करो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लेगा और तुम्हारा डिवोर्स कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा बाबा तुमको इधर भेजा किसने? जमकर तोड़े। जमकर तोड़े एक पवित्र आत्मा मेरे को से मिलने का बाबा।
इतना टेंशन तो मुझे तब भी नहीं हुआ था जब मैंने एलएलबी की पहली परीक्षा दी थी। जमकर तोड़े, सर ने तुम्हें अंदर बुलाया है। तलाक हो गया? मुबारक। इज्जत पे हाथ डालता है, गले मिल रहा हूँ मेरी जान। इतना खुश तो मैं तब भी नहीं था जब मैं कॉपी करके पास हुआ था। इस वकील के पास केस आ गया तो बेड़ा पार है। दो मिनट रुको, मैं 10 मिनट में आता हूँ, कहीं जाना नहीं यार। बहुत जल्दी इसकी लगने वाली है। अरे ताली हाथ से देते, चल जा। सर मेरा कमीशन का है, एकदम हलवा केस था ना। अरे बाबा, उनका केस तो बाटली में उतर गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बाटली तेरे अंदर घुसा के फोड़ दूं। घुसा के फोड़ दूं? ऐसे शौक मेरे नहीं है सर। अरे बाबा, तेरे को अंदर की बात बताता है। मैं तो पैसे दे के पास हुआ था नहीं, मैं तो झोला छाप वकील है। अगर मेरे को कानून आता तो मैं जाके जज को डसता था नहीं, तो क्या मेरे को डिग्री वाला वकील समझता है? कान खोल के सुन, मैं पागल खाने से भागा खतरनाक पागल है, चाह नहीं तो तेरा मर्डर कर देगा। चुन्नी फोन बज रहा है, उठाओ। अरे बाप रे, मेरा बॉस है, चल उससे बात कर। क्यों, उस पे मीटू का इल्जाम लगाना? अबे जितना बोल रहा उतना करना, जल्दी फोन उठा। गाड़ी रोको। हुकुम किस पे चला रहे हो? अबे रिक्वेस्ट समझ ले यार, बीवी हूँ, ढाबे का वेटर नहीं। प्लीज फोन उठा ले। रात वाली मिठास अभी लेकर आओ। पारो कितनी अच्छी लग रही हो, प्लीज फोन उठाओ। अब आए ना लाइन पे। हेलो, क्या हेलो हेलो कर रहे हो? तुम्हें नया प्रोजेक्ट दिया था, उसकी रिपोर्ट ही नहीं दी, और तो और तुम ऑफिस भी नहीं आ रहे हो। What happened to you, man? वो क्या है कि रात को हमारा शारीरिक संबंध ही बदल गया। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब चीरा बाजार जाना था पर नल बाजार पहुंच गया, धूप लग गई थी तो तबीयत खराब हो गई। इट्स ऑल राइट, ऑफिस आ जाओ, मैं दवाई देता हूँ। ये तुम्हारा बॉस डॉक्टर भी है क्या? ये सब छोड़ यार, ऑफिस जा। प्रोजेक्ट की डिटेल मांगेंगे तो क्या कहूंगी मैं? दिव्या को मालूम है, वो हेल्प करेगी। ओहो, जब वो कलमोही डायन सब कुछ जानती है तो मैं क्यों ऑफिस जाऊं? तू मत जा, चलेगा, मेरी बॉडी को तो भेज दे। इसमें मेरा क्या फायदा? तू मेरे ऑफिस जाएगी तो मैं तेरे ऑफिस जाऊंगा। मैंने कहा क्या? अपने मनहूस कदम बुटीक में रखो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ऑफिस नहीं गई तो जॉब चली जाएगी। ऐसा क्या? अगले हफ्ते ड्रेस डिजाइनिंग कॉम्पिटिशन है, मैं वहाँ नहीं गया तो तुझे अवार्ड कैसे मिलेगा? सही बोला, तुझे तो अवार्ड चाहिए ना। करेक्ट, तो हम लोग झगड़े को होल्ड पे रख लेते हैं। अब तुम इतना भीख मांग रहे हो तो मान जाती हूँ, ठीक है तुम बुटीक जाओ, पर कस्टमर से चिपकना मत। तू भी मत चिपकना। एक बात और सुन, ये औरतों जैसे बर्ताव वहाँ मत करना, वरना लोग तुझे वो समझेंगे। अरे नई बॉडी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो उसमें पुराना ही चलने वाला है ना। मेरे लटके झटके तुम भूल गए, कहते थे तेरी अदा पर मैं फिदा हूँ, तुम्हें ऐतराज़ है तो मैं ऑफिस ही नहीं जाती। अच्छा ठीक है ठीक है। हाय दैया, देखो फिर लॉयर का फोन। ये फोन क्यों काट रहा है? अपनी होने वाले को लगाता हूँ। अरे वाह, मुझे फोन किया। ए, उठाना मत, उठाना मत। क्यों? पहले काम धंधा करके पैसे जमा करेंगे फिर तलाक लेंगे। ओ। आज से उसका फोन नहीं उठाएंगे, आज से मेरा फोन तेरे पास और तेरा फोन मेरे पास। मुझे मॉडल्स की फोटोज आती रहती हैं, दोस्तों को मत भेजना। आप उनका फोन काट डाला, लोग मेरे फोन के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। ये केस तो वीक होता जा रहा है। मैंने लैला मजनू का डिवोर्स कराया तो ये किस खेत के रोमियो जूलियट है? माई डियर क्लाइंट्स, आप देखते जाओ, टहनी पे बैठकर पेड़ को सुखा दूं वो उल्लू हूं, वो बिखर जाता है जिस पे नजरें गड़ा दूं। हाय चुन्नी। हाय चुन्नी। नमस्ते भाई साहब। हाय चुन्नी। हाय दिया। पार्टी में मुन्नी जैसा ठुमका लगा। हाथ मत लगा, चांस मारता है, चल। क्या हो गया इसको? सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग, ये लो, ये जाकर मेरे कैबिन में रख दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे सर? चुन्नी से मिलने। बिना अपॉइंटमेंट के मक्खी भी नहीं घुस सकती। मैं तो मंत्री से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट नहीं लेता। सॉरी सर, यहाँ मुझसे मिलने मेरा बाप भी अपॉइंटमेंट लेके आता है। मैं बड़ा वकील हूँ पता है। बड़ा वकील हो या छोटा शकील, अपॉइंटमेंट मांगता है। चुन्नी, सुना कि तुम्हें बुखार है? ओह, तुम्हारा बदन कितना जल रहा है। अच्छा, मेरे बदन का तुम्हें इतना ख्याल है? और नहीं तो क्या, तुम नहीं रहते हो तो ऑफिस काटने को दौड़ता है, जब तुम पास होते हो तो मन करता है तुम ही काटो मेरा काला जाम। पता है तुम्हें कितना मिस किया? पगली, अगर तबीयत पूछनी थी तो कॉल कर लेती। कॉल तो मैं तुम्हें कर लेती, वो क्या नंबर नहीं था क्या मेरा? नहीं, वो पारो, वो सरदर्द है ना, और मैं सरदर्द का बाम। इसीलिए पारो से तलाक ले रहा है बेटा, घर की सूखी रोटी हजम नहीं हो रही है, जब बर्गर मिलेगा तो रोटी। निकल लीजिए सर। तेरी शादी हो गई है? हाँ सर। इसके बाद तेरा तलाक कराऊंगा। मेरी फीस रेडी रखना। मैं खोलती हूँ। मैं खुद भी खोल सकता हूँ, खोलने में इतनी कौन सी बड़ी बात है, जा ना काम कर। लगता है तुम्हारा ठीक से इलाज करना पड़ेगा, ऑफिस के बाद मिलना। चुन्नीलाल, नए प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है सर, घर में पानी नहीं था तो फ्रिज के पानी से नहाया तो बुखार। प्रोजेक्ट हाथ से गया तो ऑफिस बेच के बिल्डिंग के नीचे भीख मांगेंगे,
फिर कटोरा हाथ में लेकर के ना ऊपर वाले के नाम पे एक प्रोजेक्ट दे दे। दवा लेने गया तो चला। ये सब बहाने हैं। मेरा नाम भी संदीप माने। हट। ऐसे कोई लड़की पर चिल्लाता है क्या? मेरे पापा भी मुझ पे कभी इतना नहीं चिल्लाए। भगवान करे उसकी बीवी को मेरी तरह मूछे आ जाए। पर मैं क्यों रो रही हूँ? बॉस ने तो उसे चिल्लाया ना, मुझे तो खुश होना चाहिए। क्या अरे क्या देख रही है? पहले कभी आदमी देखा नहीं क्या? जा अपने काम कर। चुन्नी तुम्हें मुन्नी आ गई है? वर्कलोड बहुत है, मुझसे ये जल्दी जल्दी काम नहीं होगा, मुझे और वक्त चाहिए। वर्कलोड बहुत है, मुझे और टाइम चाहिए, ये सब नहीं चलेगा। दो दिन दो घंटे का टाइम देता हूँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट टेबल पर चाहिए, अदरवाइज कंट्रोल शिफ्ट डिलीट कर दूंगा। आई विल फायर यू। कर देना। टेक केयर। सारे नल्ले मेरे ही पल्ले। चुन्नी चुन्नी, दो दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? तुझे बता दूंगा तो क्या हो जाएगा? लैपटॉप मेरी सौतन को दे दे। ये आजकल ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दिल कर रहा है इस पारो की बॉडी को आग लगाकर खुद को मुक्त कर लूं। ना रहेगी बॉडी ना नाचेगी आत्मा। पारो डार्लिंग। हे पारो, मैं रितु डिजाइनर। क्या हुआ? हाँ हाँ बोलो। फैशन शो की ड्रेसेस रेडी है ना, ट्राई करें? हाँ हाँ कर ले। मैगी मैगी, क्यों शाउट करता है मैडम? मैडम की ड्रेस रेडी है ना? हाय मैम। हाय। हाँ रेडी है मैम, जाके दे दे। ओके आइए मेरे साथ मैडम। ओके। गुड मॉर्निंग मैडम। ये नाक का बाल क्यों आया? मैडम बहुत जरूरी बात करनी है। अरे कानून की दुकान, तुझे बोला ना तारीख आगे बढ़ा दे। अरे मैडम ये डिवोर्स के बारे में नहीं है। तो फिर? चुन्नी के बारे में है। मेरे बारे में? आपके बारे में नहीं, आपके पति के बारे में। मैं उसके ऑफिस गया था तो वहाँ आपका पति और दिव्या दोनों ढिंचक ढिंचक, और तुम हो के तलाक को पोस्टपोन कर रही हो। अरे छोड़ मैडम, रितु मैडम का ड्रेस 2 इंच ढीला हो गया। अरे उसको बोल अंदर कागज भर के पहन, ठीक हो जाएगा। मैडम वो आपके ऊपर शाउट कर रहा है। क्या मतलब है तेरा? क्या कहना चाहती है तू? नाम मैगी है, इसका मतलब हर काम तू 2 मिनट में करवाना चाहती है क्या? एप्पल का मोबाइल खराब हो तो ऊपर से स्टीव जॉब आएगा क्या? आता ना जाता तबला बजाता। मैडम मेरा बात लिसन करो, वरना हमारा दुकान का शटर डाउन हो जाएगा। अगर शटर डाउन हो जाएगा तो उसको मैं खुलवाऊंगा। मैं इतना बड़ा वकील हूँ कि तेरा घर खड़े खड़े अपने नाम पे करवा सकता हूँ, क्योंकि कोर्ट में बैठ नहीं सकते। अब तू जा। ओके। बताओ मूड ठीक करने कहाँ चलोगी, पंजाबी के ढाबे पे या अब्दुल चाय वाले के पास? बार बार। हाँ बार। लगता है बहुत बड़ी बेवड़ी है। एकदम सही जगह लाई हो। बहुत देर से बैठे हैं, क्या लेके आऊं? आज सोमवार है इसलिए मैं पीता नहीं हूँ। मेरे लिए मौसम्बी का जूस नींबू मार के, और मैडम को काली चाय दे दो। अरे रुक, 2 टकीला शकीला के हाथ भिजवा दे। ओके मैम। अरे तुम पीती भी हो क्या? शादी के बाद में इसे अफोर्ड कर पाऊंगा? अच्छा देखो तो। हाँ बता क्या कह रहा था तू। नहीं कुछ नहीं, दरअसल जब आदमी पी सकते हैं तो औरतों को क्यों पीछे रहना चाहिए? हैं? वो एक पियो तो तुम दो, दोनों को इक्वल होना चाहिए। तुमसे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तभी तो क्या बोल रहा था, ढांचेक ढांचेक करें। ढांचेक ढांचेक नहीं मैडम, ढिंचैक ढिंचैक। मतलब? बोले तो झोल मैडम। ऑफिस में आपका पति उस दिव्या के साथ इतना चिपक कर बैठा था कि मैं क्या बताऊं, हवा जाने की भी जगह नहीं थी। अगर आप अपनी आंखों से सब देखती ना तो आपको पक्का हार्ट अटैक आ जाता, आपके लिए वो कोलेस्ट्रॉल है। क्या बोला बे? मैडम मैं तो आपकी मोहब्बत का मीटर चेक कर रहा था, सच में बहुत अच्छा है वो। अबे घोचू की छठी औलाद, मेरे ऑफिस क्या करने गया था? क्या कहा, घोचू? हाँ। मैडम सिगरेट से फेफड़े झंड हो जाएंगे। यहाँ तो लाइफ झंड हो गई है, जब से डायन से शादी हुई है जीना आराम हो गया है। 24/7 पनौती है वो एक नंबर की। मैडम पीने के बाद आपकी लैंग्वेज चेंज हो गई है। अबे लैंग्वेज नहीं, पूरा आदमी चेंज हो गया है। एक बात बताऊं, आपके पति का कैरेक्टर ढीला है, वो इंसान नहीं जानवर है, वो नालायक है, बेशरम है, बेहया है, वो तो छिछोरा है। छिछोरा बोला? छिछोरा ही नहीं, उल्लू का पट्टा है वो एक नंबर का गधा, 2 नंबर का चमगादड़, 3 नंबर का चूहा है। ज्यादा नहीं हो गया? वेटर मैम, इसके लिए सोडा ले गया। थैंक यू मैडम, एकदम बर्फी लाला भाई। चलो सोडा पीने के लिए नहीं था क्या मैडम? अगर तुम कहो तो मैं 2 घूंट मार। थैंक यू, मैं समझ गया मैडम। क्या समझा? आपने अपने हस्बैंड का गुस्सा मुझ पे उतार दिया।
पर मैं तो आपका फैन हूँ मैडम, तो फिर आपने मेरी कुटाई क्यों की? तेरी कुटाई नहीं की, अपने हाथों की कुटाई की। अच्छा ये बताओ उस झमुरे के बारे में आपने क्या सोचा है? अच्छा ये बता तूने झमुरा किसको बोला? आपके पति को बोला, वो सिर्फ झमुरा ही नहीं कड़ाकू भी है। ऐसा क्या? लोटा लाके दूं? नहीं नहीं सर। ओ वकील साहब। LLB। यहाँ कैसे आना हुआ? रात में मेरे और मैडम के बीच जो हुआ वो बताने के लिए आपके ऑफिस गया था, पर आपका दीदार नहीं हुआ, तो सोचा आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। कोई तो मेरी फिक्र करता है। आओ अंदर आओ। सर वो थोड़ी सूजन है इसलिए बैठ नहीं पा रहा, खड़े खड़े बात करें क्या? अच्छा सूची को बोल के कुर्सियाँ लगवाता हूँ। नहीं नहीं कुर्सी नहीं, कुर्सी नहीं, खड़े रहने में कितना आराम है मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। थोड़ी पोजीशन बदलता हूँ, एक और, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। इधर आओ ना। डोंट टच। अरे क्या हुआ, छूने से हो क्या रहा है? छूत की बीमारी है, छूना मत मुझे। ठीक है नहीं छूता। आपकी वाइफ डायन है? डायन? ये कलमुहा मुझे डायन बोल रहा है। मैं उससे तलाक की बात करने गया था तो वो ड्रिंक करके ऐसे नाच रही थी जैसे शैतान नाच रहा हो। मुझे शैतान बोला? और सिगरेट पीने का तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इतना पी रही थी जैसे सिगरेट के कारखाने में काम करती हो, और गाली तो इतनी दे रही थी कि जैसे अपने मायके से सीख कर आई हो। मैं तो बोलता हूँ उसको डबल तलाक दे दो। इतनी बेइज्जती तो मेरे पति ने भी नहीं की। वो दुनिया में किसी के साथ भी नहीं रह सकती, पता है वो सबको बांटते फिर रही है। अब तुम्हें क्या दिया? लिप टू लिप किस। दरअसल ये बात मैं किसी और को नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आपका तो उसके साथ डिवोर्स होने वाला है, तो आप तो खुश हो रहे होंगे। अरे भूल जाइए उसे, उसके चंगुल से हमेशा के लिए आजाद हो जाइए। तलाक कराने की गारंटी मेरी, 50% डिस्काउंट। उसके बाद आप दिव्या के साथ हनीमून मनाने के लिए कराची चले जाओ ना। जमकर तोड़े, अच्छे से तोड़े। क्या हुआ साहब? डबल ऑमलेट हो गया है? बावर्ची नहीं लगते, कोर्ट तो वकील का है। सर और मैडम के बीच तुम्हें दीवार खड़ी कर रहे हो ना? दीवार नहीं बना रहा हूँ, पूरी छावनी बना रहा हूँ। तेरा क्या काम है? मेरे को भी तलाक चाहिए सर। तेरे हस्बैंड में क्या प्रॉब्लम है? उसका चक्कर चल रहा है। वाह, उसका भी जवाब नहीं, बहुत बड़ा जहाज चलाया उसने। अब उनके लेवल का नहीं है। वैसे तुम यहाँ क्या करती हो? मैं इस घर की होम मिनिस्टर हूँ। मिनिस्टर? ओह नाइस टू मीट यू। आपका हाथ बहुत नरम है। आप इस घर की मालकिन हो? माय मेड सर। मतलब नौकरानी? अब उनका इज्जत है। काम होली भाई, ये मेरे बहुत काम आएगी, इसको आटे में लेना पड़ेगा। इसे ऐसा उल्लू बनाऊंगा कि उल्लू भी चकरा जाए। सर खिड़की पे लाइन मार रहे क्या? जमकर तोड़े। अच्छे से अच्छा रिश्ता पलक झपकते ही तोड़ देता हूँ। पहले तेरे सेठ और सेठानी का रिश्ता तोड़ूंगा, उसके बाद तेरी बारी, तेरे केस पे जम के काम करूंगा। तू अपने लिए छावा ढूंढना शुरू कर दे। ठीक है, मेरे साथ टच में रहना। सर, अरे उस टच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फोन से टच में रहना। इन लोगों की सारी खबर मुझे फोन पर देती रहना। ठीक है सर। टच में टच। विशाल मैं शेखर को बोल दूंगा, हो जाएगा, विल डू इट, अभी रखता हूँ। लेकिन करना क्या है, मैंने तो ऐसे बोल दिया। दिव्या? सर, दिव्या? सर, सर। चुन्नी लाल कहाँ है? प्रोजेक्ट का क्या हुआ? चुन्नी को काली खांसी हो गई है सर, इसलिए ऑफिस नहीं आ रहा। उसका काम मैं संभाल लूंगी सर। बिन मौसम की बारिश में भीगा रहेगा, मेडिकल से रेनकोट लेने बोलो, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। यस सर। तुम प्रोजेक्ट संभाल लोगी ना? हाँ सर। गुड गर्ल। सॉरी सॉरी भूल गया था, तुम चुन्नी नहीं मुन्नी हो। बाय बाय कैरी ऑन। हेलो पारो। हाँ बोल बे। ये चुन्नी आजकल ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है? मुझे क्या पता, मैं तो बुटीक में हूँ। अरे वो तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा यार, ऑफिस आता है तो अजीब सी हरकतें करता है। बात क्या है राजेश? आजकल उसकी चाल ढाल में बहुत फर्क आ गया पारो, हर जगह डरा डरा घूमता है, हर बात पर बच्चों की तरह रोने लग जाता है। काम पर कॉन्सेंट्रेशन तो जीरो है उसका। मैं उससे बात करती हूँ। ओके बाय। मेरा काम खराब कर रहा है, अब इसका काम खराब करता हूँ। आज इस कैंची के कहर से कोई नहीं बच सकता। हाय पारो डार्लिंग। यार चिपक के बात कर रही है, दूर रह के बात कर, पसीने की बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हफ्ते भर से नहाई नहीं है तू। यहाँ आया कर तो परफ्यूम लगा के आया कर। मैडम। ए आजकल तुम्हें क्या हो गया पारो? आई एम सॉरी। फैशन शो के ड्रेसेस रेडी है? रेडी है, दिखाती हूँ तुझे, चल। इसको डिजाइन चाहिए ना, ऐसा डिजाइन बनाऊंगा कि नाम क्या पूरा खानदान रोशन हो जाएगा। पहनने वाले को गर्मी नहीं लगेगी, देखने वाले को लगेगी। टन टन। अरे ये क्या है, गर्मी से बचाओ ड्रेस। कौन पहनेगा ये, नशे में हो क्या? इस ड्रेस को पहनकर मिस इंडिया बनी थी, तू भी पहन बन जाएगी। पारो ये कुछ ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है तो कम कर दे। आर यू मैड? मुझे शाम तक ड्रेस चाहिए। नहीं दू तो क्या उखाड़ लेगी? मैं तुम पर केस करूंगी और बाकी के पैसे भी नहीं दूंगी। पैसे तो तेरा बाप भी देगा। मैडम वो तो नहीं पहनी, तू ट्राई करेगी क्या? इतना हवादार ड्रेस मैं नहीं पहन पाएगा। और जिस बुटीक को जला के हाथ सेकूंगा। फट गई अपन की सवा।
हेलो हेलो चुन्नी सर, मेरे को एक बात बोलने का है। आपका वाइफ का बिहेवियर बदल गया है, इधर पे वो अजीब अजीब हरकतें करने को मांगता है। रुको, तुम फिर पीकर आयो? प्यास लगी थी इसलिए पी ली। चुन्नी, तुमने आज शॉप पर क्या किया? जो तूने मेरे ऑफिस में किया वो मैंने तेरे बुटीक में किया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे तुम्हारे ऑफिस का कोई काम नहीं आता, फिर भी तुमने मुझे जबरदस्ती भेजा। मैं सिर्फ एक ही चीज अच्छी बनाती हूँ और वो है मुँह। ये बता, तूने मुझसे एक बात क्यों छुपाई? कौन सी बात? कि बॉस तुझे मेरी वजह से ऑफिस से निकालने वाला है। ऑफिस से छुट्टी मार के तो अपनी सहेलियों के साथ मॉल में गुलछर्रे उड़ा रही थी। मेरे इतने दिनों की मेहनत पे ग्रीस लगाकर तूने उसे काला कर दिया। क्यों किया तूने ऐसा? तुमने भी मेरे करियर का काजल फैला दिया, मेरे ड्रेस को काट के चिंदी बना दिया। वो सिर्फ कस्टमर नहीं है, मेरी स्पॉन्सर भी है। वो नाराज हो गई तो रहीम टेलर के पेटीकोट सीने पड़ेंगे। बुटीक में तो वही करती है, आज तक कोई अच्छा ड्रेस बनाया? मेरा बस चले तो मैं तुझे मूंगफली का ठेला लगवा दूं। अगर मेरी जॉब गई तो क्या तेरा बाप हम दोनों को बिठा के पालेगा? अपने हाथ मेरे के बात करो चुन्नी। हाथ तो तूने तोड़ी है बे, मर्द को तूने पैर की जूती समझ रखा है क्या? नास पिटे, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। डायन बन के तुम्हारे ऑफिस जाऊंगी, बॉस के सामने तुम्हारी इज्जत नीलाम कर दूंगी, तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी, फेसबुक पे ऐसा पोस्ट डालूंगी कि कोई तुम्हें नौकरी नहीं देगा, व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल देगा। तुम्हें बदनाम नहीं किया ना तो मेरा नाम पारो नहीं, ये एक औरत की थाई है, मेरा मतलब शाबाश बकुड़ी। सॉलिड कबड्डी चल रही है दोनों में, एक बन गया है दंगल का पहलवान, दूसरा हरियाणा का सुल्तान। वाह, घर को अखाड़ा बना दिया है। वहाँ गोवा में मैं एंजॉय कर रहा था तो तुमने वापस बुला लिया, मेरा सुख देखा नहीं गया तुम दोनों से। किस मिट्टी से बने हो तुम? तुम दोनों से अच्छे तो जानवर होते हैं, कितना ही झगड़ा क्यों न करें, बाद में एक ही तालाब का पानी पीते हैं। तुम लड़के शादी से पहले ही प्यार दिखाते हो, डार्लिंग तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा। और तुम लड़कियां शादी से पहले जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। और शादी के बाद अगर पति लेट हो तो फोन करके हेलो पिज्जा भेज दो, बर्गर भेज दो, पति गयो भाड़ में। सुधरी जाओ मेरे प्रेमी पंखीड़ाओ, आपस में प्रेम करो एक दूसरे से। कभी नहीं। रस्ते के बाद सस्ते में जितना पहनने मजा नहीं आएगा उतना उतारने में आएगा। ले ले। हाय दैया, बाप रे। चुन्नी, मैं भला धूप में कपड़े कैसे बेचूंगी, मेरी स्किन काली पड़ जाएगी ना। और मैं धूप में हाथ गाड़ी चला लूंगा, इसीलिए ये तलाक वलाक बाद में करेंगे, पहले ना हम लोग ये क्या बोली? पहले हम लोग काम धंधे पर ध्यान देते हैं, मंजूर है? चल ठीक है। मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। पारो, जल्दी दरवाजा खोल। आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? अबे जल्दी खोलना। क्या हुआ? मंथली प्रॉब्लम। अरे तैया, क्या करूँ? अच्छा हुआ। तुम्हें मजाक लग रहा है? सुबह से सर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, सब कुछ हो रहा है। एक बार में हो गया? हम औरतें सालों तक हर महीने इस दर्द से गुजरती हैं। यही बात मैं कहती थी तो तुम्हें छोटी बात लगती थी, अब समझ में आया और दर्द होना चाहिए। मर्द खुद को ताकतवर समझता है ना, पर हमसे ज्यादा नहीं है। मान लिया भाई, तुम लोग बाहुबली हो लेकिन अपन के बर्दाश्त से बाहर है। ये दर्द कम नहीं हुआ ना तो अपन मर जाएगा, बताना मैं क्या करूं? प्लीज। ये खा लेना अगर दर्द हो तो। पैड अलमारी में है, डायपर की तरह पहन लेना। इतनी बुरी भी नहीं है जितना मैं समझ रहा था। अपनी फेवरेट लिपस्टिक लगाऊंगी। थैंक यू। ये तुम्हारा है? लगाओ ना। और सुनो, अगर मैं फोन करूं तो उठाना। हाँ हाँ, एक मिनट। ये वाला? हाँ हेलो। हेलो हेलो। हाँ ये वाला अच्छा है। गुड। जाना काम कर। चुन्नी, एक मेल आया है, वो ओपन करो। पढ़ो तो क्या लिखा है। अरे चुन्नी, शेम्बूड की तरह चिपक मत, जा यहाँ से। मेरा प्यारा प्लांट। कुची कुची कु। इस शरीर में रहने की आदत हो रही है।
पहले अपने बिल का भुगतान करो, बाद में फोन करो। बेल्ट लगाओ। वो देखो वहां ब्रेक है। हाँ यहाँ साइड से ले। बस 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 यहीं रोक दो। गुड। थैंक यू। ड्राइविंग पर ध्यान दो। सुची, अरे कुछ अपडेट देना यार। सर, वकील का दुकान बंद कर दो। दोनों एक दूसरे के फूल और कांटे जितना करीब आ गए हैं। उस कांटे पे पॉलिश पेपर मारूंगा, तू बस अपडेट दे। प्लीज मान जाइए, मैं आपकी ड्रेस फ्री में बना दूंगी। प्लीज तू कुछ बोलना। प्लीज मेरे मान जाइए। सॉरी बोलो ना। प्लीज प्लीज सॉरी। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हेलो। काम पर ध्यान देना, क्या कर रही है? पता नहीं हमें हमारे शरीर वापस कब मिलेंगे। अरे यार लोहे के खिले। प्रेजेंटेशन अच्छा है। ओ, जंग नहीं लगेगा। सही है। हलकट। वन टू थ्री। वाओ। You're welcome. Good job. You're welcome. Yes. क्या बोलती है मैगी? शुक्र है काम तो ट्रैक पर आ गया है। हाँ, हमारे कॉम्प्रोमाइज करने से काम की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। बस वो आत्मा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना तो मजा आ जाएगा। क्या कहा तुमने? अरे वकील की आत्मा। नहीं, उससे पहले हमारे मिलके रहने से हमारे काम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सही पकड़ा। तो हम ऐसे ही 2-in-1 बनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, उस भूतिया के बाप भाई एक कर देंगे। सही बोली। पहले ही हमें ये काम कर लेना चाहिए था यार। अगर ऐसे हम उस भूत को उल्लू बनाए ना तो वो भाग जाएगा और हमारे शरीर भी हम लोगों को वापस मिल जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। बिल्कुल। yes. कल नहा धो के यही काम शुरू करते हैं। सर बिल कार्ड पेटीएम भी चलेगा। ओके। अच्छा सुनो, भूत को भगाने का कोई ऐप नहीं है क्या? ट्राई करूँ क्या? मजाक कर रही थी। सर इसकी तो, हेलो। वो लोग चाय में शुगर का माफी भूल मिल रहे हैं। मैं कुछ करता हूँ। थक गई हूँ। ओए लातों के भूत, अब तक दफा नहीं हुआ तू? कहाँ जाना है? जहन्नम में। काम खत्म किए बिना कैसे जाऊंगा? हम दोनों फिर से एक हो गए हैं। मैं कैसे भरोसा कर लूं? अभी दिखाता हूँ। ये देखो हम दोनों कैसे चिपक गए। मुझे भरोसा नहीं है। इसमें कीलर ठोकना पड़ेगा। अब कहाँ चले गए? तारी पाछाल। हमारे पलंग फिर एक हो गए। मैं इंसान नहीं आत्मा हूँ, उल्लू नहीं बनूंगा, सब समझता हूँ। मैंने खबर छे तुम्हारी बॉडी एक्सचेंज कर दूं, इसके लिए तुम लोग नाटक कर रहे हो। जब तक तुम्हारे बीच सच्चा प्यार ना हो बॉडी बदली नहीं होगी। मुझे चूना मत लगाओ, मेरे ऊपर पहले ही बहुत कत्था लगा हुआ है। सब तुम्हारी घटी एक्टिंग की वजह से हुआ। तू जानती नहीं है, जब मैं रामायण में रावण का रोल करता था ना, लोग गले का हार और हाथों की अंगूठी निकाल निकाल कर फेंकते थे। पता है, तुम पे लोग बासी बड़े फेंकते थे। करेक्ट। जब तूने भूलन देवी का रोल किया था तो लोग तुझ पर गंदी गंदी चप्पलें फेंकते थे। चप्पल चप्पल बनकर नहीं तो चपेट दूंगी। आ गया ना सच सामने। अभी तो बहुत चिपक चिपक के प्यार दिखा रहे थे, लेकिन असल में एक दूसरे से दूर हो रहे हो। बिना सबूत के भूत। बोल बकुड़ी। तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, नहीं फिगर वाला शरीर चाहिए। ए मम्मी संभल, मेरी बात भी सुन ले। मुझे नरम बॉडी अच्छी लगने लगी है, मैं भी इसी में रहेगा। बकुड़ा, हे भगवान, इनके दिलों की नसों में तो ब्लॉकेज बढ़ता जा रहा है। अर्जेंट हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। अब इस गांव में चुन्नी का घर किधर होगा? मेरा स्मार्टफोन तो यमराज ने गेट पे ही जमा कर लिया। यहाँ कोई आत्मा भी नजर नहीं आ रही है जिससे पूछताछ करके कुछ पता कर सकूं। ए सस्ते वकील। कौन छे? ये फुलवारी शर्ट वाले। फुलवारी शर्ट? इसका मतलब ये टपक चुका है। अब इस गांव में यही मेरा गाइड है। ए मां कसम। हाथ मुड़ा, मैं तेरे को पूरा दिख रहा हूँ ना। अरे तेरी फूल में जो शर्ट है उसके कांटे चुभ रहे। संभल के रहना, फुलवारी में सांप भी घूम रहा है।
गाड़ी के अंदर जो बैठ कर आते हैं वो आम इंसान होते हैं, तो गाड़ी के ऊपर बैठ कर आया भूत है क्या? न्यानी गुजराती है, कौन है तू? मूर्खों का गॉडफादर, दिमाग में आता हूँ, समझ में नहीं आता। आहा, क्या नगीना है, दिमाग से पैदल है। अरे शर्ट में इतने फूल है, इसमें पानी डालता है कि नहीं? पानी डाल वरना सूख जाएंगे ये फूल। जमुना दास, इसके पास कौन सा फोनवा है? बात कर रहा है लेकिन फोनवा दिख नहीं रहा। गंगा दास जानते नहीं, ये मोबाइल पे बहुत बतियाता था, उसी का साइड इफेक्ट हो गया है। ये बता तू कौन है, इस गांव में क्यों आया है? गांव का मेन आदमी कौन है? ठाकुर साहब, गांव के सरपंच है, कोई उनकी बात नहीं मानता तो उसका किडनी लीवर निकाल लेते और वैक्यूम क्लीनर से बॉडी का खून चूस के ब्लड बैंक में बेच डालती। बढ़िया, कोई बेटा बेटा है? चुन्नी बाबू कंप्यूटर मैकेनिक बनने गया था लेकिन लड़की का कारीगर बन गया, फुल कारीगर ना बनने की वजह से उसके पापा ने उसको घर से निकाल दिया। मुझे चुन्नी बाबू ने ही भेजा है। क्यों भेजा है? एक लोचा हो गया है। लोचा बोले तो? अच्छा बता, ये गांव में कोई ऐसी खाद है जिसके डालते ही सूखा पेड़ हरा भरा हो जाए? अरे तेरे को चाहिए क्या, टिंडी पे डालेंगे ना तो एक झटके में लौकी बन जाता है। अब भी क्या पी लिया? तेरा शटर डाउन है क्या? मेरा नहीं, चुन्नी बाबू का। चुन्नी बाबू का सिस्टम क्रैश। सही कहा, इतना ज्यादा कि कमजोरी की वजह से महामारी हो गई, इसलिए मुझे भेजा है। मैं चुन्नी के घर की छत पे रुका हूँ, जल्दी से ला दे। और एक बात और। क्या? ये अंदर की बात एक भी बाहर वाले तक न जाए। खुद को भी नहीं बताऊंगा। बताया तो तेरा वाइपर हिलना बंद। अब जल्दी से जाओ और लेकर आ जा। ढिंडोरा पीटने का काम ठंडा चल रहा है, सोच रहा हूँ सब छोड़ के गाँव चला जाऊँ, लेकिन मैं गाँव में तो हूँ, क्या करूँ, किसको पकड़ूं? ए रुक बे, पीछे से नहीं बुलाते। आगे से बुला रहा हूँ, कहाँ जा रहे? खड़ा पारसी जा रहा हूँ संडे का तेल लेने। तुझे तो गाड़ी चलाने का लाइसेंस भी नहीं मिला, क्या करेगा? मेरे लिए नहीं, चुन्नी बाबू की बस डेपो में खड़ी है। मतलब उसका गियर लटक गया? माइलेज नहीं दे रहा, किसी को बोलना नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। संडे का तेल जल्दी होगा। सुनो गाँव वालों, सुनो आज की कड़ा खबर, ठाकुर रामचंद्र के बेटे चुन्नी बाबू का गियर लटक गया, गाँव की सारी लड़कियाँ सुरक्षित है। बाबूलाल आता हूँ, आ रहा हूँ, आ गया। अभी प्लेन से हैदराबाद जाओ और मेरे बेटे बहू को चालू डब्बे में लाओ। प्लेन में जाना है ना? अरे रुक जा, बहू के माँ बाप को भी साथ लाना। ठीक है ताऊजी, प्लेन में जाऊंगा। ऐसी क्या आफत आई थी जो अर्जेंट बुलवाया? हमारे घर के सारे नौकर जाकर छुट्टी मनाने के लिए युगांडा गए हैं, इसलिए तुम सबको झाड़ू पोछा करने के लिए यहाँ बुलाया है। काम वाली चाहिए थी तो पहले क्यों नहीं बोला, शहर से सूची को साथ लेकर आता। ए? अरे बाबूलाल बताओ जी, इसे बताना। ऐसा है कि कैसा है? क्या है ना भाई, हाँ इसीलिए गांव वाले तुझे लहरी बाबू समझ रहे हैं। लहरी बाबू मतलब? 50-50 तो फायदे का सौदा है। मतलब वो, अरे खुल के बोलो ना। अरे क्यों मारा उसे? ससुर जी, अब रिश्ता भी बदल गया। इसने नहीं बोला तो मैंने ही बोल दिया। उल्लू का पट्टा है तू, जब से गिरा है तेरा भाव उतर गया है मेरी मूछों का ताव। किसी ने मूछों के साथ मजाक किया है, इनका परफॉर्मेंस एकदम कड़क है। सॉरी ससुर। क्या है, एक्सपर्ट्स कमेंट क्यों दे रही है? ए, सवाल तुमसे किया गया, जवाब वो दे रही है, ये क्या चक्कर है? अरे बुद्धू क्रिकेट विकेट खेलने का मन करता है कि नहीं तेरा? हर स्पोर्ट्स के लिए एकदम फिट हूं। तो शादी के इतने दिन बाद भी विकेट क्यों नहीं गिरा? क्योंकि हेलमेट पहन के खेलते थे। चलो बिना मेरी मर्जी के शादी की तो की, लेकिन मेरे कंधे पे सुसु करने वाला अब तक क्यों नहीं आया? अभी मेरा मूड नहीं है। तो दादी की उम्र में माँ बनोगी? वैसे तो मोजा पूरे गांव में घूम चुका है, अब इससे पहले कि मूछें कटवानी पड़े दिन रात मेहनत करके इसके पांव भारी होने की खबर मेरे को जल्दी से जल्दी चाहिए। ये क्या बोल रहे? क्या यार, अब तो लोगों की मनुष्य जबान मेरे पोते की चीख से ही बंद होगी। तो गांव वालों, मेरी मूछ पे राई का तेल लगाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तो राई का तेल लगेगा और इस घर में खुशखबरी आएगी। मेरे सपने का क्या, फैशन की दुनिया में नाम कमाना? तू सब्र से काम ले रहा है? कह रहा है सारे सुरक्षा कवच तोड़ दूंगा। मैं डिजाइन बनाने की बात कर रहा था। अच्छा डिजाइन? हां डिजाइन। तो ये ले डिजाइन। इनको कोई समझाइए, बहू पे अत्याचार कर रहे हैं। अभी ऑफिस से चुन्नी को 6 महीने के लिए चाइना भेज रहे हैं। पहले पोता उसके बाद ही कुछ होता। मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, मुझे मत समझाओ। ऊपर वाले ने मुझे इतनी प्रॉपर्टी दी है लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं है। बिना मेरी मर्जी के लव मैरिज करके मेरी नाक कटवा दी, अब वारिस नहीं दे के मेरी मूछें कटवाना चाहते हो? इन सब की जिम्मेदार तेरी माँ है, उसी ने तुझे बिगाड़ के रख दिया है। इसको मार डालूंगा अगर मेरी खोपड़ी खिसक गई तो। चिल्ला दी हूँ मैं। ए बाबूलाल तलवार पे धार करके तैयार रख, कभी भी मर्डर का मुहूर्त निकल सकता है। बॉस
मेरी मरी हुई बीवी की कसम, तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अगर मिल गई तो मैं लिख के देता हूँ, मैं तुम्हारी यूरिन से अपनी मूंछ मुड़ा लूंगा। हमने पूरे गांव से कर्जा लेकर शीला मुन्नी को बुलाया था तुम्हारे 25वें जन्मदिन के अशुभ मौके पर। कर्जा नहीं लौटाया तो गांव वाले जंगली सुअर की तरह मारेंगे। अगर चुन्नी बाबू के घर चुन्नू पैदा हो गया तो जेल में पत्थर तोड़ेंगे। तो फिर हमें पैसा कौन दिलाएगा? एक ही आदमी दिला सकता है, गुल्लू नसबंदी। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। जब सबका दिमाग का नस बंद होता है तब मेरा खुलता है। चल खुलते हैं। बस जरा खैनी मिलेगी क्या? तू भी खाता है। लेकिन तुम्हें कसम है ये बात तुम मेरी दूसरी वाइफ को नहीं बताओगे। क्यों? नहीं तो वो मुझे किसी नहीं करने देगी। घबरा मत, तेजाब से कुल्ली करवाता हूं। तुम्हारी तो बैंड बजने वाली है। 3 दिन की तकलीफ से परेशान हो रहे थे ना, अब 9 महीने तक परेशान हो गए। क्या 9 महीने? हाँ, तुम्हें चर्बी चढ़ी थी ना, भुगतो। मुझे चढ़ी थी तो क्या मुझे? हेलो, इस कांड का राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मैं हूँ। गीले जूते से मारूंगी। टूटे हुए रिश्ते थूक लगा के नहीं जोड़ सकते। और दो प्यार करने वाले एक दूसरे को दिल देते हैं, शरीर नहीं। क्यों किया ये घोटाला? असल में तुम दोनों के बीच में प्रेम नहीं वेम था। शादी के इतने सालों में रोज तुमने एक दूसरे को आई लव यू जानू, लव यू डार्लिंग बोला क्या? और शादी से पहले एक दूसरे को आई लव यू बोलते जबान नहीं थकती थी। शादी से पहले एक दूसरे को दिलो जान से चाहा, लेकिन शादी के बाद कहाँ उड़ गया प्यार? तुम अपने दिल से पूछो, तुम भी अपने दिल से पूछो कि तुम्हारे दिखावे को क्या मुझे सच्चा प्रेम मानना चाहिए? आजकल किसी भी रिश्ते में सच्चा प्रेम नहीं रहा। लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। आजकल शादी से पहले ही डिवोर्स की प्लानिंग होनी शुरू हो जाती है। 11 नवंबर 2016 में शादी और 12 दिसंबर 2017 में डिवोर्स। छी छी, शर्म आनी चाहिए तुमको। याद रखो, लाइफ में सेकंड चांस किसी को नहीं मिलता, मुझे भी नहीं मिला। और यही समझाने के लिए मैं इतने दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये नफरत छोड़ो और प्यार से फिर से एक हो जाओ। जिंदगी में खुशियाँ लौट आएगी, मेरा वादा है। मुझे मेरी पत्नी से मिलाने में मेरी मदद करो। क्या पका रही हो? तेरे जलादी बाप के लिए चिकन बिरयानी बना रही हूँ। बिरयानी नहीं, दम बिरयानी बनाऊंगा। तू बनाएगा? और क्या, यूट्यूब पर मेरा चैनल है। अब मैं कचूमर बनाऊंगा। पक्का मेरी औलाद है ना? बाकी सारा सामान तो है। ऐसा फटीडा है? फट्टा टीडा क्या होता है? मतलब हींग। ओ, हींग। 25 तारीख को सुहागरात मनाने का ऐसा मुहूर्त निकला है कि 26 को ही पोतन की खुशखबरी मिल जाएगी। दक्षिणा दीजिए, मैं निकलता हूँ। वसुंधरा। हाँ। कॉफी में इतनी देर क्यों लगा दी? अब खाने के टाइम पे कोई कॉफी पीता है क्या? आपके बेटे ने दम बिरयानी बनाई है, खाते ही आप दमदार हो जाओगे। रेडी? औलाद इधर ला, ला इधर। इसकी महक से मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा, सूंघ के देखो। तुम बहुत खुश हो रही हो ना? बेटा औरतों की तरह रसोई संभाल रहा है। अरे दिल कर रहा तेरे दोनों हाथ जला दूं। पता नहीं किसकी छाया पड़ गई इस पर, अच्छा खासा मर्द जनाना बन के रह गया है। खाना तो बनवा लिया, अब साड़ी और पेटीकोट भी पहना दे। इसके हाव भाव देख के लगता है कि ये बिल्कुल गैला केस हो गया है। और इसकी पत्नी लूंगी बनियान पहन के पूरे गाँव में घूमना चाहती है। क्या है? अरे ये तेरी वजह से तो हुआ है। दिल करता है तुझ पर घासलेट डाल के आग लगा के जेल चला जाऊं, चप्पल उतार के मारूंगा। ये कौन सी बिरयानी थी बे? दम बिरयानी। दम बिरयानी में नहीं, मर्द में होना चाहिए, समझे? गुलाब जामुन। सुनिए जी, रुक जाइए, मत खाइए। कहा ना मत खाइए, आपको शुगर है, मर जाएंगे, लेकिन आप खाने से बास नहीं आएंगे। उन्हें शुगर है? ओ। अरे इतना छोटा सा तो है। छोटा सा है पर कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, ये नहीं पता? एक पीस खाने दो ना, ये मर थोड़ी जाएंगे। भाई साहब आप बीच में बोला बंद कीजिए, घर में इनके साथ मैं रहती हूँ, ये मेरी एक भी बात नहीं सुनते। मैं इनकी बीवी हूँ, अगर इन्हें कुछ हो गया तो किसे तकलीफ होगी? पत्नी का धर्म होता है कि पति की देखभाल करे। समझा समझा के मैं थक गई हूँ पर ये मेरी एक बात नहीं सुनते। आज क्या बनाएगा? नहीं वो पिताजी फिर से डांटा तुझे? नहीं, आज सबके सामने पिताजी ने आपको डांटा तो आपको गुस्सा नहीं आया? उनका गुस्सा भी दूध के उबाल की तरह है, जैसे चढ़ता है ना वैसे ही उतर भी जाता है। बस 2 मिनट उड़ुम धुड़ुम करते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। अगर मैं भी भड़क जाऊँ ना तो तलाक हो जाए, एक
सबको ठंडा रहना चाहिए। ये घुट घुट के भी जीना कोई जीना है? ये तो औरत पे जुल्म हुआ। शादी का मतलब होता है एक दूसरे के जज्बात को समझना। अगर मैं भी गुस्सा करने लगूँ ना तो इस स्वर्ग जैसा सुंदर घर महाभारत की रणभूमि हो जाए। उनके गुस्से से मुझे बूस की एनर्जी मिलती है। अगर मुझे जरा भी तकलीफ हो जाए ना तो वो बेचैन हो जाते हैं। गांव के मुखिया हैं, पर दिल एकदम बच्चों जैसा है। हमारी शादी को 30 साल हो गए पर मैं उन पर आज तक नहीं चिल्लाई। तुम्हारी शादी से वो बहुत खुश हैं पर जताते नहीं हैं। आदतें बदल जाती है पर स्वभाव नहीं। वसुंधरा। हाँ आती हूँ। सुना? नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ बेटा, अभी तक सोई नहीं तुम? मुझे नींद नहीं आ रही। आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। आपने लव मैरिज की थी ना, अगर आपस में जम नहीं रही है तो अलग क्यों नहीं हो जाते? मम्मी आपको कितना कुछ बोलती रहती है, आपको बुरा नहीं लगता? सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। ये जो प्यार शादी के पहले होता है ना, वो 4 दिन की चांदनी होता है, और शादी के बाद वाला प्यार वही सच्चा प्यार होता है। एक दूसरे की भावनाओं को समझना ही सच्चे प्यार की निशानी है। और ये बात तुमने कैसे सोची कि मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा? छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर हम अगर तलाक ले लेते तो इतनी प्यारी बेटी हमें कैसे मिलती? क्या बाबूलाल, अगर बुलाने ही भेजना था तो किसी और को भेजते। पता है मेरी बीवी कोमा में चली गई इस चिंपैंसी को देखकर। बीवी और पानी दोनों घर पे नहीं थे, इसलिए मैं पड़ोसन के वहाँ जाके नहा रहा था। साबुन लगाने ही जा रहा था कि ये टपक पड़ा। तुम लोगों का चड्डी दोस्त आया है लेकिन अब तक मिलने नहीं आया, इसकी वजह क्या हो सकती? उसके अरमान ही नहीं जाग रहे होंगे, इसलिए शर्म के बारे नहीं आ रहा होगा। तुम लोगों का दिल नहीं होता कि तुम्हें कोई चाचू चाचू बोले? लाना था तुम दोस्तों पर। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। कल गाँव में शकीला का अंगारू डांस होने वाला है। तुम लोग उस बुझे चेहरा को वहाँ ले जाओ। अगर उसकी लौ फड़फड़ाई तो समझ लेना भाई का रॉकेट मंगल पे जा सकता है। हाँ, ये भी हाथ साफ कर लेंगे भाई। घसीट के ले जाना उसको, अपनी टेस्टिंग भी कर लेना। चलो हाँ, अभी ले जाओ। शेरा नसबंदे। बॉस टेंडर भर दिया है, पास होगा ना? अगर पास नहीं हुआ तो मेरा भाई पास होगा। बुटीक के महंगे कपड़े को घस घस के स्टेशन के कपड़े जैसा बना दिया। कौन है रे तू? मैं किशोर कुमार। तो गाना गाना, मेरी कमर को क्या हारमोनियम समझ के रखा है? ए, मतलब तेरे बारे में सही सुना है तो कम सुना कर। सांडे का तेल। हाँ जी रे। बोलो तो मसाज कर देता हूँ। ये क्या है? ये कई लोगों की ढलती शादी उठा चुका है। ओ, ये चुन्नी के दोस्त है। पोपट में प्रॉब्लम? ये अंत क्या आता है, मेरे पास पोपट वोपट नहीं है। देख लिया? नहीं है, है। ए, चल हमारे साथ। कहाँ पे? तुझे खटिया हिलाओ डांस दिखाते हैं। मैंने जुम्बा सुना है, रंबा सुना है, ये वाला कौन सा डांस है? तेरे लिए वो डांस टॉनिक का काम करेगा, तू चल। वहाँ पर कंपाउंडर और डॉक्टर दोनों नाचते हैं। अरे ये ऐसे नहीं मानने वाला, इसे उठा के ले चलो। ताऊजी मुड़वा लीजिए, अपनी मुझे मुड़वा लीजिए। अब क्या हो गया बे? आपकी मुझो में जुए लगने का टाइम आ गया है। घुमा फिरा के बात की तो तुझे ही घुमा दूंगा। सीधा बता क्या हुआ? आपका बुझा हुआ चिराग शकीला के अंगार में खुद को जलाने के लिए गया है। गई भैंसी पानी में। तू सच बोल रहा है? आपकी कसम, आपके बाप की कसम ताऊजी। ये तूने खुद देखा? झूठ बोलो तो आंखें निकलवा देना। एक काम कर, पूरे गांव में प्योर वनस्पति के लड्डू बंटवा दे जल्दी के जल्दी। बेटे ने मर्दों वाला काम किया है। इसमें मर्दों वाला कौन सा काम है? उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता तो वो डांस देखने नहीं जाता। ये बात पूरे गांव में फैला दो। और मेरी मूंछों के लिए 500 ग्राम राई का तेल भी लेके आना। जल्दी जा। सुरेश जल्दी जा। कैसा बाप है यार, लड़का मुजरा देखने गया है और ये देसी घी के लड्डू बंटवा रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। क्या जलवे है, क्या अदाए है। अरे ये कहाँ ले आए मुझे? अबे अरे हाथ नहीं लगाना। वो तो ये इधर है। ये मेरे शरीर में ऐसे क्यों नाच रहा है? ओह अच्छा, नाचू ठीक है। डांस करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हाथ गाड़ी चला के आया हूँ। ओ भैंस की टांग, आज डांस करके मजा आ गया। पारो तुमने भी बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू। चुन्नी
तुम्हें देखकर पहले जैसी फीलिंग्स आने लगी हैं। मुझे भी। गुड नाइट। गुड नाइट क्यों बोली? मेरा बोलने का दिल किया तो बोल दिया। ओके, गुड नाइट। अरे नसबंदी। बॉस, शकीला को बुलाने के चक्कर में मेरी आखिरी चड्डी तक बिक गई है। तेरा प्लान काम करेगा ना? टेंशन मत लो, गंजे हो जाओगे बॉस। सारे गुंडे लोग का गॉडफादर हूँ मैं। इस बार उसकी गिल्ली उड़ के रहेगी और फिर उसकी प्रॉपर्टी पे डांडिया खेलेंगे। अब क्या प्लान है तेरा? रात को तुम्हारे भाई को हम जंक फूड खिलाएंगे तो सुबह उसके पेट का प्रेशर बहुत हाई होगा और तुम पानी बंद कर देना। इससे होगा ये कि वो लोटा लेकर जंगल चला जाएगा और तुम पीछे से जाकर लोटा उठा लेना और इस तरह वो घर वापस नहीं आ पाएगा। फिर भाभी को जाके कहना, भाभी जी भैया का अपहरण हो गया है। घबराहट से उसकी चूड़ी हिल जाएगी। फिर उसके बाद? फिर भाभी जी का अपहरण। क्या बात है, मैं बहुत जल्द इस हराम की प्रॉपर्टी का मालिक बनूंगा। अब बस उसके उठने का इंतजार है। दिव्या का वॉइस मैसेज। चुन्नी, मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? इतना वक्त साथ में बिताया है, तुमने जो जो कहा वो मैंने किया। अब जब शादी की बात आ रही है तब तो मुझे अवॉइड कर रहे हो। गुड मॉर्निंग। गुड बाय। क्या हो गया बे? दिखा दी ना अपनी जात। हाँ? छी, एक से दिल नहीं भरता क्या? मुझे यहाँ खड़े होने में भी घिन आ रही है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, जाके नदी में कूद जाऊंगी ताकि तुम्हें इस जन्म में ये शरीर कभी वापस ना मिले। बता तो हुआ क्या? खुद सुन लो। अरे बारो, मेरी बात तो सुन। चुन्नी, मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? इतना वक्त साथ में बिताया है, तुमने जो जो कहा वो मैंने किया। अब जब शादी की बात आ रही है तब तो मुझे अवॉइड कर रहे हो। अबे यार, बारो। बारो, अबे बारो रोक। बाबूलाल, भाभी को देखा क्या? भाभी? अरे मेरा मतलब तेरे भैया कहीं चले गए हैं। प्लान काम कर रहा है। तू गाड़ी निकालना। लेकिन भाभी जी। अबे बाबूलाल, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब छोड़, तू गाड़ी निकाल और उनका पीछा कर। सच में प्लान काम कर रहा है। अबे चलना। चली चली चली। बस गाड़ी तुम चलाओ। अरे यहाँ से क्यों ले रहा है? शॉर्टकट के लिए। रो क्यों रही है बकुड़ी? शू थयू तने? गाड़ी लेके कहाँ जा रही है? तुम्हारी टीम में आ रही हूँ। देख, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं दोबारा मर जाऊंगा, ऐसा मत करना। पता है चुन्नी के दिल में मैं क्यों नहीं हूँ? क्योंकि वहाँ दिव्या चारपाई बिछा कर लेटी हुई है। ये तेरी गलत फहमी है। चुप बे मर्द कहीं के। औरतें खिलौना नहीं है जिसका तुम मूड बनाने के लिए इस्तेमाल करते रहते हो। हम अगर शर्म का घूंघट उठा देना तो तुम आदमी बदनामी का कॉन्सेप्ट शुरू कर दोगे। चुन्नी तो सोना है, सोना। हाँ, इसलिए उसे बीवी के अलावा सबके साथ सोना है। मैं कसम खाता हूँ, वो भी यमराज की, उन दोनों में कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं है। अरे स्पीड तो अच्छी कर मेरी माँ। नहीं करूंगी। अगर तू सुसाइड करेगी तो ऊपर भी तेरे केस की फाइल अटक जाएगी। फसाद की जड़ ये शरीर है। मम्मी, आज मैं उसके शरीर को ही बर्बाद कर दूंगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अरे सामने से गाड़ी आ रही है। मेरे घर को अपनी जवानी की आग से जलाया, आज इसे जला दूंगी। तुम ठीक तो हो ना? मुझे मार के उसके साथ रहना चाहती हो ना? क्या मतलब? चुन्नी के साथ? कैसी बातें कर रहे हो? हाथ लगाया तो मुंह तोड़ दूंगी। क्या हो गया है तुम्हें? तुमसे मिलने के लिए मैं शहर से आ रही हूँ। क्यों? मैसेज भेज के प्यास नहीं बुझी? मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया इसलिए मैं तुमसे मिलने आई। इतनी आग लगी हुई है? अब शादी का वक्त आ गया है, तुम्हारे बिना कैसे करूँ? ओ, इतनी तैयारी कर ली पर भूल गई क्या, हमारा अब तक डिवोर्स नहीं हुआ, शादी नहीं कर सकती। अरे वाह। चुन्नी, चुन्नी। हाँ? तुम्ही नहीं तो मेरे रिश्ते की बात की थी ना? मेरा भाई बनकर तुमने मेरा साथ दिया, वरना इस अनाथ को कोई बहू बनाने के लिए तैयार नहीं था। तुमने एक अच्छे दोस्त की तरह मेरा साथ दिया और तुम मुझे बिना बताए यहाँ गांव चले आए और पागलों जैसी बातें कर रहे हो। मेरी यहाँ आने की वजह नहीं जानना चाहोगे? एक और वजह है। अपनी शादी का पहला कार्ड तुम्हें देने आई हूँ।
मुझे अभी चुन्नी के पास जाना होगा। अब तेरी आँख खुली, चल बैठ। चल। क्या हुआ, कहाँ ले जा रहे हो? अबे बाबूलाल, इधर क्यों लाया है तू? पहले आइए तो। कौन सी जगह है ये? पता चल जाएगा। बताएगा, बात क्या है? तशरीफ को टिकाइए। चल जल्दी बोल, बात क्या है? ये बात है। क्या है ये? अपहरण, किडनैप है। कोई इतनी आसानी से किडनैप करता है? देख लिया बॉस, गुल्लू नसबंदी का प्लान। अब एक खोल मुझको, वरना पारो कुछ कर बैठेगी। क्या भाभी, सुबह सुबह मई मिला था क्या? पारो तो तुम ही हो। मुझे पकड़ा क्यों तू, ये बता। भाभी जी, अगर तुमने हमारी मदद की ना, तो लूटे हुए माल से हम तुम्हें 10% दे देंगे। दम है तो रस्सी खोल, अभी तुझे 50-50 कर दूंगी। अच्छा 15%। चिंगम पट्टी है बॉस, पिछली बार हॉस्पिटल से चुराया था। भाई का रिंगटोन यहाँ बज रहा है। जैसे प्यार में दिल बदलता है ना, वैसे ही इन्होंने फोन बदल लिया है। भाभी जी, हिलना नहीं, नहीं तो हाथ कहीं और लग जाएगा। संभाल के आ, घर की इज्जत है। आखिर हर दर्द मुझे क्यों मिलता है? गाँव छोड़ के भाग रहा है। गाड़ी के सामने क्यों आ गए? घोड़ा गाड़ी चलानी थी ना। घर गिरवी रख के तेरे लिए सैंडल का तेल लेके आया, अगर पैसा नहीं दिया तो गाड़ी के नीचे सो जाऊंगा। सैंडल से मारूंगा। चला दे गाड़ी। हेलो चुन्नी। बोनो फ्रेंड में स्वागत है। कौन बोल रहा है? इस तुम्हें तो हम तुम्हारे भाई लगते हैं। नाम है लाल, बाबूलाल। बाबूलाल भाई, ए, क्या कर रहा है? लाइन मत काटना, आवश्यक सूचना देनी थी। आपकी पत्नी का अपहरण हो गया है। अपहरण हो गया? पर किस लिए? प्रॉपर्टी के लिए। उसके पास प्रॉपर्टी है? यस। अगर तूने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की तो भाभी को काट दूंगा। अरे बाबूलाल भाई, भाभी मैं हूँ। 10 मिनट में राइस मिल आ जा, जल्दी कर। तुझे पता है राइस मिल कहाँ पर है? तो लेके चल। इस तेल के इस्तेमाल के बाद दोनों गाड़ी तो बराबर चलाएगा। बॉस, दो चाय बोलो ना। कानून की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इनाम के तौर पर यह चोर बाजार से खरीदा हुआ फोन मैं उसको दान में दे दूंगा। यह है कौन? लगता है जज ने इसे बेइज्जत करके कोर्ट से निकाला है और ये हमें ढूंढता हुआ यहाँ आया है। जरूर कर्जदारों ने केस ठोका होगा बॉस। एक काला कोट, एक बार प्रॉपर्टी हाथ में आ जाने दे, फिर हम लोग तेरी मैयत पे मुजरा करेंगे। मुजरा? मैं यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा कराऊंगा, बस इस लड़की को छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है। किसकी औलाद हूँ मैं, तू जानता है क्या? मेरा बाप सुबह उठते ही जंगल जाता था, शेर को पीछे से तीर मारता था, फिर उसके गिरे हुए खून से कुल्ली करके नाश्ते का पहला निवाला लेता था। उसकी औलाद हूँ मैं, मेरी रगों में शेर का खून है। तेरी खोपड़ी में जंग लगा हुआ किल्ला ठोकूंगा। लेकिन कर्जे की वजह से मैं फूस हो गया। अरे तू केस लड़ेगा फोकट में? बहुत बदबूदार उल्टी की तूने। क्या? मेरा बाप गुंडा था, खुद को बचाने के लिए उसने मुझे वकील बनाया। आई एम अ लायर। मैं 1200 किलोमीटर चलकर आया हूँ तो सिर्फ इसका तलाक कराने के लिए। तलाक कराने? लेकिन ये लोग तलाक क्यों चाहते हैं? क्यों? काई को इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। पैसे के लिए मैं कुछ भी करता हूँ। उसके हाथ खोल, फाइनल हियरिंग है। मतलब इनकी इमारत पहले से हिली हुई है, गिरने वाली है। ये देख पेपर्स। खोलना भी नहीं आता, लगता है कुंवारा है। स्पेशल ट्रेनिंग दे। लेकिन सब उल्टा क्यों लिखा है? अंग्रेजों की भाषा है। ये भैंसा पढ़ तो लेगा ना? पढ़ा लिखा गुंडा है। भाई लोग, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तुम लोग कोर्ट में केस ऐसे ही लड़ते हो ना? क्यों, सही बोला ना वकील? ओ माय जज, ऑर्डर ऑर्डर, तुमको कैसे पता ये सब? मैंने फिल्म देखी थी, जनता की अदालत, उसमें ये डायलॉग था। मैंने भी सब कुछ फिल्मों से ही सीखा है, हम दोनों तो एक ही तबेले से। जो लिखा है वो पढ़ के बता। गुल्लू नसबंदी से चिल्ला के बात नहीं करने का। अच्छा ये बता, तू इसका आदमी है क्या? जब अपराधी और कानून बात कर रहे हो तो शांत रहने का, कान खोल के सुन काला कोट। जब चुन्नी आके कलम को पेपर पे नचाएगा तब तुम पारो को ले जा पाएगा। बट नसबंदी, बताते हुए दुख हो रहा है कि तुमने गलत नस पकड़ ली है। क्या? यस। इसे बचाने के लिए चुन्नी कभी आएगा इस गलत फहमी में मत रहना। इसे बचाने वो कभी नहीं आएगा, ना ये उसे बचाने कभी जाएगी। ये वाहियत थर्ड क्लास आइडिया तुमको दिया किसने? इतना बकवास आइडिया तो जूनियर केजी में पढ़ने वाला बच्चा भी नहीं देगा। ये तुझ गुल्लू नसबंदी का आइडिया था। तुम्हारा? उस दिन रात को देर से खाना खाया, सुबह पेट साफ नहीं हुआ तो दिमाग नहीं चला। अगर पता होता डाइवोर्स का केस है तो मैं नहीं लेता। ले लिया ना, किसी काम का नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? लेकिन पैसा लगेगा। हाँ
इसको छोड़ के उसको पकड़ ले तो? लोमड़ी की तरह दिमाग है तेरा। पैर मत छू, पैर मत छू। उसको ले जाऊं? पूछता क्या है, ले जा। मैडम ये क्या हाल बना रखा है? मैंने ख्वाब में दो दिन पहले ही देखा था कि मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है। ऐसा पावर उधर भी मिलेगा। लेफ्ट में खड़ी करो। चुन्नी, चुन्नी, चुन्नी बाबू, मेरा चुन्नी कहाँ है? चुन्नी कहाँ पे हो? क्या है, तू तलाक क्यों ले रहा है? अरे तू बाद में बात कर, पहले मुझे पैसा लेने देना। देख लिया ना आपने, आप यहाँ पर रस्सी से इतनी टाइट बंधी हुई हैं और वो उसके साथ घूम के टाइट हो रहा है। मतलब आपकी रस्सियाँ ढीली करने आया है। तू इधर भी टपक गया। खोलता हूँ मैडम, खोलता हूँ। तूने तो लव मैरिज किया था ना, फिर ये तलाक क्यों ले रहा है? अपने खानदान में किसी ने नहीं लिया यार। हमारा तलाक तुम्हारी वजह से हो रहा था। पर चुन्नी भाई, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, तलाक मत ले यार। मैंने भी कभी नहीं लिया, बस तू मेरा कर्जा चुका देना। ठीक है। किडनैप कैंसिल। गुल्लू का प्लान कोई बस की टिकट नहीं है जो कैंसिल हो जाए। किडनैप कर लो। आवाज नीचे कर। नसबंदी कर दूंगा। बोरियों के बीच में दबा दूंगा। ए, देख क्या रहा है? काटो इसे। चिकन छतरी, हमारा कितना पुराना याराना है इसे बताओ। बॉस, नहीं होगा। मम्मी, अब इन लोगों का कंट्रोल मेरे हाथों में है। नसबंदी मुंह बंद कर। वॉइस कुचल डालो। जल्लादों का बादशाह हूँ मैं। मैंने अपने भाई को जिंदा जला दिया था क्योंकि बंटवारे में उसने मेरे से धोखेबाजी की। मुझे 2 रुपए कम दिए थे। अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की तो मैं यहाँ मौत का बवंडर ले आऊंगा। सबको काट डालो। अरे भैया, क्या मैडम आप लड़ने जा रही हो? अगर यहाँ वहाँ कहीं लग गया तो हम लोग कोर्ट में जाकर लड़ेंगे। चलो मेरे साथ। हा? क्या क्या हुआ? मुझे लेके जाएगा? देख क्या रे, मारो। बाप रे, तेरी की चुन्नी, मारो। असली मर्द यहाँ नहीं है, वहाँ पर है। चलो रे, बहुत आगे बढ़ाओ। पीछे उसे कुछ करना मत, छोड़ दे उसे प्लीज। ए, ए, साइन नहीं किया तो इसके गले से खून का फवारा निकलेगा। गला काट दोगे तो मैं साइन कैसे करूंगा? है? ये तो अपन भूल ही गए। भाभी जी, हाँ देवर जी, तुझे नहीं भाभी को बुलाया। आप लोग जाओ, मैं इसकी नसबंदी करता हूँ। चुन्नी, चुन्नी सॉरी। आज से सिगरेट नहीं पियोगे, दारू नहीं पियोगे, दिव्या को काम से निकाल दोगे। पारो। ये रिएक्शन तेरा है? दर्द में मैं ऐसे ही चिल्लाता हूँ। ये मेरा है। नहीं नहीं, ये तो मेरा है। बोला ना मेरा है। मुझे पड़ा मिला है। मेरा है मेरा। क्या प्रॉब्लम है?
ट्रिपल ऑमलेट बन गया। मेरे को भी खिला, तीन दिन से नहीं खाया। अबे ये खाने वाला ऑमलेट नहीं है, समझा कर। वो मेरे को नहीं खाना, बहुत दर्द हो रहा है, अब क्या करूं यार? ये तेरे काम का है। इसको क्या करूं? इसको बाम के साथ रगड़ के वहां लगा लेना। ऐसा क्या? थोड़ा करीब आओ ना। मैं आई। थोड़ा और आ जा। आज तो बहुत हॉट लग रही है। ये? अरे पारो उठो। अरे अरे हम पहले जैसे हो गए। हाँ यार। लाओ केस, घर तोड़े। ए वकील, किधर है? हेलो, किधर है बे? स्वर्ग सिधर गया। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कुछ नहीं पता है। नहीं पता यार, तुम्हें कुछ पता नहीं होता। वाह वाह, तुम्हें खुश देख के मुझे भगवान ने एंट्री दे दी। पत्नी से मिलके खुश लग रहे हो? मैंने 99 डिवोर्स कराए और उससे बहुत पैसा कमाया, पर आज जो खुशी मिली है वो पहले कभी नहीं मिली। सही कहा। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि डिवोर्स कभी मत लेना। धन्यवाद। ले 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 ले। बड़े होके वकील बनेगा। ये क्या सर, मैडम और सर को तो डिवोर्स दिलाया नहीं, कम से कम मेरे को तो दिला दो। कितनी फेकम भाग की थी। तलाक हुआ नहीं और साथ में रहने की बात कर रहे हो, नहीं होगा सर। सूची, ये किससे बात कर रही हो तुम? यहाँ पे सांड जैसा आदमी कुंडली मार के बैठा है और आपको दिख नहीं रहा है? कौन है? अरे वही वकील जो आपके आगे पीछे जुम्बा कर रहा था, जमकर तोड़े। तुमने कहा था तलाक कराओगे तो अपने दूसरा दूल्हा ढूंढा, अब वो अपन से शादी करना चाहता है। देख काम वाली भाई, इनकी तरह रहे, डिवोर्स लेने के बारे में मत सोच। एक्सपायरी वाली टैबलेट खा के मैं खुद एक्सपायर हो गया। अब बता मेरा केस कौन लड़ेगा, कौन से वकील का दरवाजा खटखटाऊं? डिवोर्स लेने के बाद जरूरी नहीं कि दूसरी बीवी अच्छी मिलेगी, इसलिए पहले के साथ ही खुश रहना सीख लो। सर, अपन को इन सब से कोई मतलब नहीं। अपन जानता है इसकी तरह आप मत लड़ो, आपस में प्यार करो।